हरे कृष्णा। तो आज सुबह हम परीक्षित महाराज के जीवन के बारे में जो प्रथम स्कंद में पार्श्व भूमि दी जा रही है श्रीमद् भागवतम के, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो है सातवें अध्याय का श्लोक है, इसमें पहला स्कंद जो पूरा है उसमें भागवतम की पार्श्व भूमि दी गई है। तो मैं जो प्रवचन है इसे तीन भागों में लूँगा। सबसे पहले कि भागवतम का उद्देश्य क्या है, फिर दूसरा हम हमारे जीवन जीते हैं तो हमारे उस भागवतम के उद्देश्य के अनुसार हम हमारा जीवन कैसे जी सकते हैं, और तीसरा हम दूसरे लोगों से जब इंटरैक्ट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो फिर कैसे हम उस हमारे उस कृष्ण कथा जो कृष्णा चेतना जो उद्देश्य है उसको कैसे बरकरार रख सकते हैं, दूसरों को भी कृष्ण चेतना की ओर कैसे ला सकते हैं। तभी ये जो पहला मुद्दा जो है कि किस तरह से भागवतम का उद्देश्य क्या है। अभी कोई भी प्रवचन होता है तो जो प्रवचन एक तरह से कोई भी प्रवचन करता है वह जो श्रोतागण है उनको एक राइड पे लेके जा रहा है। मान लीजिए कोई गाड़ी है, कोई बड़ी बस वगैरह है, तो या कोई टूरिस्ट गाइड है, तो कहीं वो किसी को लेके जा रहा है, तो फिर सब लोग बैठ जाते हैं और फिर जो टूरिस्ट गाइड है वो एक तरह ड्राइवर है, वो यहाँ यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, उस तरह से। तो अभी कुछ कुछ ऐसे राइड होते हैं, कुछ कुछ ऐसे सैर होती है जो एडवेंचर राइड होती है, मतलब क्या है वहाँ बहुत खतरा आता है, ये होता है वो होता है। पर साधारणतया अगर कोई कोई सैर पे कहीं जाते हैं तो लोगों को बताया जाता है, ठीक है हम अभी इस सैर पे जा रहे हैं, हम वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में हम बरसाना जाएंगे, हम नंदग्राम जाएंगे, हम जो गोवर्धन जाएंगे, तो थोड़ा सा इस नकाशा दिया जाता है, अंदाज़ा दिया जाता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं। तो उसी तरह से जब भागवतम कथा का वर्णन होता है तो उसमें कई जगह पर हमको एक ऐसे दिशा दी जाती है कि कहाँ जाने वाला है, क्या बताने जाने है, क्या बताने वाला है, कैसे आगे जाने वाला है। तो कभी कभी क्या होता है अगर हमको पता ही नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं तो फिर हाँ अधिकांश समय वहाँ जाता है, हम गाड़ी में बैठे हैं, शायद ये सीनरी देख रहे हैं, वो सीनरी देख रहे हैं, पर एक तरह से चिंता लगी रहती है कहाँ जाने वाले हैं हम। एक तरह से उत्साह हो सकता है, एक तरह से चिंता हो सकती है। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम भागवतम पढ़ रहे होते या कभी प्रवचन भी सुन रहे होते तो ये क्या बोल रहे हैं वो समझ में आता है, पर ये क्यों बोल रहे हैं समझ में नहीं आता है। मतलब ये पॉइंट का उद्देश्य क्या है, ये कहानी क्यों बताई जा रही है, ये इसका। तो कई बार भागवतम ऐसा होता है एक कहानी के बाद दूसरी कहानी आती है, दूसरी कहानी आती है, और कैसे न केवल एक कहानी के बाद दूसरी कहानी आती है पर कई बार एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी आती है और दूसरी कहानी के अंदर तीसरी कहानी आती है। तो फिर उससे क्या होता है, मान लीजिए हम एक रास्ते पे जा रहे हैं, एक दिशा में जा रहे हैं, जैसे बरसाना जा रहे हैं वृंदावन से, और फिर बरसाना में एक जगह देखनी है, दूसरी जगह देख, तीसरी जगह देखनी है, तो फिर एक सीधा रास्ता, फिर एक टर्न कर लेते, फिर दूसरा टर्न करते, तीसरा टर्न करते। तो अगर श्रोता अगर जाने वाले लोगों को पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं और कोई बता भी नहीं रहा है तो कभी ऐसे हो सकता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण जगह है वृंदावन में, बरसाना में, हम जाएंगे वहाँ पे और हम देखेंगे और कुछ समझेगी भी नहीं। तो उस तरह से क्या हो सकता है कि हम भागवतम में क्या हो रहा है अगर ये पता नहीं है तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हो भी जाएगी पर वो समझ में नहीं आएगी। और जब ऐसे होता है जब हम सुनते हैं पर हमको समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है तो वो एक तरह से तमोगुण का लक्षण है। अभी वो तमोगुण ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ श्रोताओं का अज्ञान है, कभी कभी वो वक्ता का भी अज्ञान हो सकता है। वक्ता का विषय का अज्ञान नहीं है, वक्ता को श्रोताओं का अज्ञान है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो श्रोतागण समझ रहे हैं कि नहीं। कैसे अगर कोई ऐसी खुली गाड़ी है और उसमें जो गाड़ी का ड्राइवर है बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा है, तो अभी वो इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा है कि गाड़ी चलते चलते लोग उसमें से गिर जा रहे हैं, बाजू में सब गिर जा रहे हैं और गाड़ी चलती जा रही है आगे। तो कभी कैसे होता है कि जब प्रवचन करता है बोलते जाता है और गाड़ी से लोग गिरते जाते हैं। फिर प्रवचन के अंत में
लोग शारीरिक स्तर पे हो गए पर मानसिक स्तर पे कोई है ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं क्या चल रहा है लोगों को। तो अभी ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि भागवत में इतना बड़ा ग्रंथ है तो कई बार ऐसे आसानी से हो सकता है। इसीलिए जो सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी हैं या सुखदेव गोस्वामी हैं, आचार्य गण हैं, वो कई बार हमको ओरिएंट करते हैं, हमको बताते कि देखो ये यहाँ पे ये चल रहा है, अभी ये होने वाला है। तो उसके द्वारा हमको समझ में आता है कि हम यहाँ पे जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस स्कंद में सातवां अध्याय है। तो अभी तक जो है भागवतम में पहले छह अध्यायों में अधिकांश रूप से एक पार्श्वभूमि बताई गई है और तत्व ज्ञान बताया गया है। कैसे है कि पहला अध्याय जो है वह सूत गोस्वामी साहब नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ साथ बैठे हुए हैं, और फिर दूसरे अध्याय में वो जो मूल सिद्धांत है वो बताया गया है, सवई पुंसाम परो धर्मो, पराधर्म जो है वो भगवत भक्ति है। तो दूसरे अध्याय में जो भक्ति है उसके बारे में वर्णन आता है, भक्ति कैसे कार्य करती है, और जो भक्ति के उद्देश्य जो है भगवान, उनका वर्णन तीसरे अध्याय में आता है। उसका भगवान शीर्षक प्रभुपाद ने शीर्षक दिया है कृष्ण ये सब अवतारों के स्रोत है, पर कैसे सब अलग अनेक अवतार आते हैं उसका वर्णन है। फिर चौथे पांचवें और छठे अध्याय में व्यास और नारद जी का संवाद है, और उसमें भी दूसरी पद्धति से जो भागवतम किस विषय के बारे में है, कैसे उसका उगम हुआ, कैसे नारद मुनि अपने जीवन में एक महाभागवत बने, उसका वर्णन है। तो उसमें क्या है कि अभी कभी भागवतम कुछ एक दो दिन पहले बता रहा था कि अभी कुछ वरिष्ठ भक्तों ने उनकी बायोग्राफी लिखने के लिए बताया था, तो मैं उसमें संशोधन कर रहा था कि जब क्या होता है सिर्फ कहानी बताते हैं, जब कहानी बताते हैं तो कहानी के साथ साथ कुछ शिक्षाएं बतानी है, नहीं तो फिर क्या होता है वो कहानी केवल एक न्यूज़ रिपोर्ट जैसी हो जाती है। अखबार में न्यूज़ पढ़ लिया, ठीक है न्यूज़ पढ़ जानकारी पढ़ ली, पर क्या होता है वो जानकारी से कुछ अगर समझना है तो तो उसके साथ थोड़ा एनालिसिस होना चाहिए कि ये ऐसा हुआ, उसका विश्लेषण होना चाहिए, ऐसा हुआ इसका मतलब ये है। अभी तो अगर सिर्फ जानकारी होती है तो उससे थोड़ा हमको मन को थोड़ा उत्तेजन मिल सकता है पर बुद्धि को कुछ पुष्टि नहीं मिलती है। तो कहानी और विश्लेषण दोनों चाहिए, और अगर सिर्फ विश्लेषण है और कुछ कहानी नहीं है तो जैसे होता है कभी अखबारों में न्यूज़ होता है फिर बीच में एडिटोरियल पेज होता है, संपादक जो होता है वो बहुत कम लोग पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ घटना नहीं है, सिर्फ विश्लेषण है। तो भागवतम में क्या है, चौथे पांचवें छठे स्कंद में एक कहानी और विश्लेषण दोनों बताया गया है। पहले विश्लेषण बताते हैं किस तरह से भक्ति का कार्य होता है, भक्ति कैसे कार्य करती है हमारे जीवन में, और फिर नारद मुनि खुद की अपनी कहानी बताते हैं। अभी उसके बाद में अभी भागवतम शुरू हो रहा है एक तरह से सातवें अध्याय से, और यहाँ पर बताया जा रहा है तीन चीज़ें बताई गई हैं, जन्म कर्म विलापन अथवा परीक्षितो, जो परीक्षित राजा थे वो उनका जन्म कैसे हुआ, उनका उन्होंने कैसे कार्य किए, और फिर कोई संस्था, और फिर उसके बाद में उसके अभी जो है इसका इस श्लोक का अलग अलग आचार्य ने काफ़ी अलग अलग अर्थ बताया है। तो संस्थान च पांडुपुत्राणा वृक्षे कृष्ण कथोदयम, तो अभी यहाँ पे इसका एक एक श्लोक परीक्षित तो परीक्षित जो राज ऋषि थे उनके बारे में कुछ वर्णन हो रहा है। तो जन्म कर्म विलापनम कि उनका जन्म कैसे था, उनका उन्होंने क्या क्या कर्म किए, इसका वर्णन है। पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं कि जन्म कर्म विलापनम जो है यह वो कृष्ण को लगाते हैं, क्या है कि जब जो कोई विशेषण होता है कोई नाम होता है तो वो विशेषण अलग अलग जगह पर लगाया जा सकता है, तो कहते हैं कि ये कृष्ण के जन्म और कार्य के बारे में वर्णन है, और उसमें परिषद की कथा भी है। और संस्थान च पांडुपुत्राणाम, संस्था मतलब पांडुपुत्रों ने किस तरह से पांडवों ने अपने संसार को त्याग दिया उसका वर्णन है, वो 15वें और 16वें अध्याय में आता है जब वो भगवान ये ग्रह त्याग करके जाते हैं, तो उसके बारे में उसके बाद में वो खुद भी वैराग्य लेते हैं, उसका वर्णन है। पर संस्थान जो है यह परीक्षित महाराज को भी लग सकता है, क्योंकि परीक्षित महाराज ने भी अपना संसार त्याग दिया था जब उनको शाप मिल गया, तो उसके बाद में उन्होंने संसार त्याग करके फिर भागवत का श्रवण किया। तो इस तरह से ये जो श्लोक है इसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं,
पर अधिकांश रूप से क्या है कि यहाँ पे परीक्षित महाराज की कथा बताई गई है, उसके पहले परीक्षित महाराज के पहले जो उनके पूर्वज थे पांडव, उनकी कथा बताई गई है। पांडव ने कैसे शरीर अपना शरीर त्याग दिया, राज्य त्याग दिया, फिर परीक्षित महाराज ने कैसे राज्य किया, इसके द्वारा क्या होने वाला है, कृष्ण कथोदयम। तो अभी उदय ये शब्द महत्वपूर्ण है। जब सूर्य सब सीधा सामने दिखता है तो फिर अगर आसमान में सूरज दिन है, अभी जैसे सूरज है तो सूर्य उदय नहीं हो रहा है, सूर्य ऑलरेडी उदय हो चुका है, पहले से उदय हो चुका है, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उदय दिखता है। पर कृष्ण कथोदयम मतलब इसके द्वारा कृष्ण कथा का उदय होगा, इसके द्वारा कृष्ण के बारे में हम वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि एक है कृष्ण कथा और दूसरी है कृष्ण के संबंधित कथा। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि हमको कृष्ण कथा ही सुननी है, जो कहते हैं हम उसे सीधा दशम स्कंद में जाएंगे भागवतम के और हम सिर्फ कृष्ण कथा सुनेंगे, अरे बाकी सब भागवत महत्वपूर्ण नहीं है। पर प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, भक्तों की कथा जो है वह भी कृष्ण कथा के समान ही है। तो जो भी हम कथा करते हैं उससे क्या होना चाहिए, कृष्ण कथोदयम। जो भी हम बात करते हैं अगर सीधे कृष्ण कथा कर सकते हैं तो अच्छा है, पर अगर कृष्ण कथा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी बातचीत होनी चाहिए, ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे कृष्ण कथा का उदय हो। हमारे जीवन में हम अलग अलग कर्म करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, शायद हर कार्य भगवान से संबंधित ना हो, पर ऐसे होना चाहिए कि जिससे कि कृष्ण कथा उदयम, कृष्ण कर्म उदय, जिससे क्या होगा कि कृष्ण कर्म या कृष्ण कथा का उदय हो सकेगा, वो और बढ़ सकता है। और इस तरह से हमारे सारे अलग लोगों से अलग अलग संबंध होते हैं, उसमें भी क्या होता है, हमें धीरे धीरे कृष्ण की ओर सबको लाना है। भी कृष्ण की ओर क्यों लाना है, क्योंकि वही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, वही उनके स्मरण में ही जीवन का परमानंद है, उनकी भक्ति में ही हमारी जो प्रेम की की खोज है उसकी पूर्ति है। तो ये पहला पॉइंट था कि भागवतम में जो भी बताया गया है वह कृष्ण से संबंधित है, भले ही वो पंचम स्कंद में जो कॉस्मोलॉजी है, भी ब्रह्मांड का वर्णन है, तो तीसरे स्कंद में भले ही वो भौतिक प्रकृति का विश्लेषण है 28-26 चीज़ों में, जो भी है, जो भी चीज़ें भागवतम में हैं उस सबका उद्देश्य कृष्ण कथोदयम, कि कृष्ण से हमें उनको जोड़ना है। तो ऐसे बताया गया है कि आचार्य ने कि जब हम, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब हम भगवान के बारे में विचार करते हैं तो ऐसे नहीं होता है कि एक दिन अचानक व्यक्ति उठ जाता है, सोचता है अरे भगवान कौन है, बहुत कम लोगों में होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम कृष्णा बट ऑल नॉलेज डजंट बिगिन फ्रॉम कृष्णा। सब ज्ञान जो है भगवान से आता है, पर सब ज्ञान भगवान से शुरू नहीं होता है। हम इस जगत को देखते हैं, जगत कैसे चल रहा है, लोग कैसे काम करते हैं, क्या हो रहा है इस दुनिया में, फिर उसके द्वारा शायद भगवान के बारे में सोचते हैं। तो ये तीन, इस जगत से भगवान की ओर कैसे जाना है, इसका तीन दृष्टियों से भागवत में वर्णन आता है। द्वितीय स्कंद में विश्वरूप है, ये सारा विश्व जो है उसको ऐसे विचार करना है, उसको ऐसे कल्पना करनी है, उसका चिंतन करना है कि सारा भगवान का शरीर है, वो दूसरे स्कंद में विश्वरूप का वर्णन। तीसरे स्कंद में जो सांख्य के द्वारा प्रकृति का विभाजन किया गया है, वो भी किस लिए उद्देश्य है कि इस सब के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भौतिक जगत में इतनी सारी चीज़ें हैं पर इन सब के स्रोत जो है भगवान है, उस तरह से भी भौतिक जगत को भगवान से जोड़ा गया है। और पंचम स्कंद में ब्रह्मांड का वर्णन है, पर वो ब्रह्मांड का वर्णन का उद्देश्य ये नहीं है कि ब्रह्मांड का विस्तारित रूप से वर्णन हो जाए। कैसे, ब्रह्मांड का वर्णन इसलिए है जिसके द्वारा हम भगवान का चिंतन कर सके। जो तो शास्त्र भागवतम में बताया गया, जो इस ब्रह्मांड के वर्णन को सुनेगा उसके द्वारा उसकी भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी। तो अभी अगर इस कोई कहता है यही ब्रह्मांड का पूर्ण ज्ञान है, हमको ब्रह्मांड कुछ और ज्ञान चाहिए ही नहीं। ये इस तरह से है कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे, तो जब अमेरिका में गए थे तो उनके जीवन, अमेरिका में जो उन्होंने प्रचार किया उसका जीवन, उसका वर्णन उनके प्रभुपाद लीलामृत उनके बड़ा छः विभाग ग्रंथ है उसमें बताया गया है। अगर भविष्य में मान लीजिए कुछ बड़ा एटम बॉम्ब या ऐसे कुछ विस्फोट हो जाता है, सारे ग्रंथों का नाश हो जाता है, सिर्फ प्रभु जी का लीलामृत बच गया है,
और अगर कोई कहता है कि उस लीलामृत के आधार पर जो प्रभुपाद जी अमेरिका में गए हैं उसके आधार पर मैं अमेरिका का नकाशा भी पुनः बनाने वाला हूँ, तो ये बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि वो जो किताब है वह एक जीवन चरित्र है, वह एक भौगोलिक ग्रंथ नहीं है। उसमें भूगोल के भी जान उल्लेख है, पर उद्देश्य क्या है कि अच्छा शिकागो यहाँ पे है, टोरंटो यहाँ पे है, न्यूयॉर्क यहाँ पे है, लॉस एंजल्स यहाँ पे, ये बताना उसका उद्देश्य नहीं है। तो भागवतम का उद्देश्य ब्रह्मांड के बारे में वर्णन करना नहीं है। ब्रह्मांड के बारे में वर्णन करके कैसे हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, वो है। तो ये एक पहले पॉइंट में, दूसरा पॉइंट में बता रहा हूँ मैं कि क्या है, सब चीज़ों में भागवतम का उद्देश्य भगवान का स्मरण कराना, कृष्ण कथोदयम। पर अगर किसी चीज़ के द्वारा भगवान के स्मरण से मन दूर जा रहा है, अगर भगवान का स्मरण नहीं हो पा रहा है, हम विचलित हो रहे हैं, तो फिर हमें उसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, इसका भगवान से कैसे संबंध है मैं समझ नहीं सकता। अभी जो शास्त्रों के द्वारा भी बौद्धिक स्तर पे या मानसिक स्तर पे हम दूर जा सकते हैं भगवान से, हमारे अंदर जो है मन है और बुद्धि है, और ये दोनों हमें भगवान से दूर ले जा सकते हैं। तो मन इच्छाओं के द्वारा दूर ले जा सकता है, बुद्धि शंका के द्वारा दूर ले जा सकती है। तो अभी कोई पांचवा स्कंद भगवान का भगवान का पर्दा करे, ये ब्रह्मांड का वर्णन करे, इतना बड़ा मेरु पर्वत, ये सारी चीज़ें, ये तो हमको कुछ विज्ञान से पता नहीं चलती है, ये क्या है, मुझे इसमें विश्वास नहीं है, ये समझ में नहीं आता है मुझे। कोई ऐसे कहता है तो अगर हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य वहाँ पे पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी का भाव क्या है, देखो यहाँ पे ये ग्रह है, यहाँ पे ये जगह है, पर सब जगह पे लोग धर्म का अनुशीलन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था कि ये भागवतम में ऐसे वर्णन आते हैं कि इस राजा के इतने महाराज युग्रसेन के इतने सारे रक्षक थे द्वारका में, तो अभी इतने सारे रक्षक एक साथ एक जगह पे कैसे रह रहे थे, द्वारका तो इतनी छोटी सी है, इतिहास सब इतने कहाँ पर कैसे रहते हैं। प्रभुपाद जी कह सकते थे भगवान के तो कुछ भी संभव है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी जब एक वक्त ने पूछा कि हमने जब पंडितों से बात करते हैं, विज्ञान जो बुद्धिमान जो बात करते हैं, तो वो कहते हैं, वो हंसने लगते हैं, कैसे संभव है ये वो कहते हैं कि सब कल्पना है। तो प्रभुपाद जी कह सकते ये सब काल्पनिक नहीं, सत्य है। पर प्रभुपाद जी बोलते अगर तुमको पंडित लोगों से बात करना है तो सारे भागवतम में से तुमको वही संख्या मिली लोगों से बात करने की। भागवतम में कितनी सारी चीज़ें हैं। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था कि अगर कोई सिर्फ कुछ चीज़ें आपके शिक्षाओं से पढ़ना चाहता है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है आप बताओ। तो प्रभुपाद जी ने बताया जो भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक कोट किया, धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृता कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा। नार्थो यश्चेह कर्मभिः, कि जीवन का उद्देश्य है भगवान के बारे में भक्ति करना और भगवान के और करीब जाना। तो ये अभी ये पहला पॉइंट ये है कि हम जो भी करते हैं हमारे जी जो भी हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो एक बौद्धिक स्तर पे वो शंका आ जाएगी और शायद उसके कारण ये मैं इसको मान नहीं सकता, इसको स्वीकार नहीं कर सकता मैं, तो इसी को छोड़ के हम शायद भगवान के स्मरण से दूर चले जाएंगे। पर हमें देखना है कि ठीक है इसमें महत्वपूर्ण क्या है, कि महत्वपूर्ण ये है कि भगवान का स्मरण करना, ये ब्रह्मांड का वर्णन समझना ये महत्वपूर्ण नहीं है। सुखदेव गोस्वामी खुद कहते हैं कि ये जो वर्णन है अचिंत्य है, तो वह समझना जरूर नहीं है, हमें क्या है भगवान का स्मरण करना जरूरी है। उसी तरह से मन के स्तर पे अगर कुछ ऐसे भागवतम में विभाग आते हैं जिसमें कुछ ऐसे वर्णन आते हैं, मोहिनी मूर्ति की लीला का वर्णन है तो उसमें मोहिनी मूर्ति का वर्णन है, तो मैं अमेरिका में एक लेक्चर दे रहा था शार्लट में, तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि ये जो वर्णन है ये तो एक तरह से अश्लील वर्णन है, इतना एक्सप्लिसिट वर्णन है ये कि इससे मन विचलित हो जाता है, हम शास्त्र भगवान का स्मरण लगाने लगा भगवान का स्मरण करने के लगाते हैं पर इसमें ऐसा वर्णन क्यों है। तो बताया था कि यहाँ पे ऐसे नहीं है कि ये वर्णन अश्लील है, ऐसे
उस हर चीज का उद्देश्य होता है। तो अभी कैसे होता है कि हर साहित्य है उसकी निर्मित के लिए कुछ नियम होते हैं। अगर हम आज के इंग्लिश में कुछ किताब लिखे गए तो फिर हम जैसे प्राचीन इंग्लिश में दी दाव दाए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे तो वो शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आजकल का जो भाषा की पद्धति है उसके अनुसार हम ग्रंथ लिखे गए। तो शास्त्र जो है वह एक काव्य के रूप में लिखे गए हैं और काव्य जो लिखा जाता है उसके लिए एक उद्देश्य होता है, उसके लिए कुछ नियम होते हैं। और उसमें एक नियम होता है कि काव्य में श्रृंगार होना चाहिए, श्रृंगार का जो रस होता है उसका वर्णन होना चाहिए। और श्रृंगार मतलब सौंदर्य का वर्णन होना चाहिए जिसके द्वारा कि व्यक्ति वो रस का अनुभव कर सके। तो श्रृंगार जो है ये शास्त्रों किसी शास्त्र को काव्य अगर कहलाना है तो उसमें श्रृंगार का वर्णन होना चाहिए। पर अभी कहीं भी कैसे भी कुछ अश्लील वर्णन डाल दिया तो वो उचित नहीं है। पर अभी हम मोहिनी मूर्ति का वर्णन दिखाते हैं बताते हैं शास्त्रों में, तो बताने का उद्देश्य क्या है कि वास्तव में जो देवतागण हैं वह देवता और असुर साथ में अमृत मंथन करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर वो जो असुर है वह जितना इतना मेहनत करके वो अमृत पाया है और उन्होंने अपना जो देवताओं से वचन था कि हम साथ में अमृत ले गए उसको तोड़ दिया, उन्होंने न केवल उसको तोड़ दिया है पर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं ताकि वो अमृत प्राप्त करें। और इतना मौल्यवान अमृत है अगर वो एकाएक कोई अनजान स्त्री आ रही है और उसको दे रहे और तुम बाटो बोल रहे तो ये कैसे संभव है? तो ये कैसे संभव है? इसलिए संभव है कि वो स्त्री का जो रूप है वो अप्रतिम सौंदर्य है उसमें। तो द ब्यूटी ऑफ मोहिनी मूर्ति इज नेसेसरी टू मेक सेंस ऑफ द फ्लो ऑफ द स्टोरी। अगर मोहिनी मूर्ति की सौंदर्य का वहां पे वर्णन ना हो तो वो कहानी का जो मोड है वो समझेगा ही नहीं। कोई कैसे कैसे कर सकता है ऐसे? तो वह समझाने के लिए वो कहानी में वो जोर दिया है। तो अभी क्या है, भागवत में हजारों श्लोक है तो अगर किसी का मन उसी श्लोक पे खटक जाता है, अरे ऐसे वर्णन क्यों है? ठीक है वो वर्णन है पर उसका स्मरण तुम क्यों कर रहे हो? हम कितने सारी चीजों का स्मरण कर सकते हैं। तो क्या है कि हमें अगर हम देखते हैं कि ये वर्णन है, ये इससे अगर मेरा मन विचलित हो रहा है तो फिर मैं ये वर्णन पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। तो एक भक्त प्रवचन दे रहे थे, वो कह रहे थे कि इंग्लिश में अगर कोई कहते कि मोहिनी मूर्ति वॉज डिवेस्टेटिंगली ब्यूटिफुल एंड बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू बी डिवेस्टेटेड वी विल नॉट डिस्क्राइब हर ब्यूटी। वो बहुत ही सुंदर थी और वॉट इज डिवेस्टेटिंग पर देख लो बराबर नहीं होता, विनाशकारी सौंदर्य नहीं कह सकते हम। पर ऐसा सौंदर्य था कि उससे व्यक्ति पूरा मोहित हो जाएगा। तो हम मोहित नहीं होना चाहते हैं इसलिए हम उस सौंदर्य का वर्णन नहीं करेंगे। तो क्या है, अभी वो भगवान का ही वर्णन है पर अगर उसके द्वारा अगर हम मन विचलित हो रहा है तो फिर उस पर ध्यान न दें। तो इसीलिए शास्त्र पढ़ते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि भगवान का स्मरण करना है, कृष्ण कथोदयम, इसके द्वारा कृष्ण की ओर कैसे मेरी मन की, मेरी बुद्धि की, मेरे हृदय की प्रगति हो रही है देखना है। अभी यह पहले शास्त्रों के अध्ययन में, दूसरा है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में हमें अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं। अभी हमारे भक्ति, जब हम भक्ति का तत्व ज्ञान पता चल जाता है हमको तो हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं और भक्ति में आगे बढ़ने के जाते हम मंदिर में आते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, हम पूजा करते हैं, साधना जप करते हैं, ये सब महत्वपूर्ण है। पर इसके साथ साथ हमें अलग अलग कार्य भी करने पड़ते हैं। हमें हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होती है, हमारी नौकरी होती है, हमारे सामाजिक परिस्थिति में कुछ हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो अभी ये भक्त की ये दक्षता है कि ये सब करे पर इस तरह से करे कि कृष्ण कथोदयम, ये करते इसके द्वारा कृष्ण भक्ति के लिए हमारी परिस्थिति अनुकूल हो जाए। तो अभी कई बार लोग पूछते हैं कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं
क्या हमें हमारे सारे जो बहुत मटीरियल एम्बिशंस है, भौतिक जो महत्वाकांक्षा है, क्या हमें पूरा छोड़ देना है उसको? अगर सारे बहुत महत्वाकांक्षा हम छोड़ देंगे तो फिर भौतिक जीवन में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और भौतिक जीवन में रहने का मतलब भी क्या है? तो अभी क्या है, एक है महत्वाकांक्षा और दूसरा है लोभ, इन दोनों में फ़र्क है। और उसमें फ़र्क क्या है कि जो इट्स अ सेंस ऑफ प्रपोर्शन एंड परस्पेक्टिव, कि हम किस मात्रा में क्या चीज़ कर रहे हैं। हम सब जो थे एक समय, हम हमारे माँ के गर्भ में जब पहले कंसेप्शन हुआ, जब पहले निर्मित हुई, तब एक छोटा सा सेल सेल के रूप में थे हम। पर अभी हम बड़े व्यक्ति बन गए हैं, करोड़ों सेल्स हैं हमारे शरीर में। ये कैसे हो गया? ये वृद्धि से हुआ है। तो वृद्धि जो है ये एक प्रकृति के स्वाभाविक लक्षण ही है, पर कैंसर जो है वो भी एक वृद्धि ही है। तो स्वाभाविक रूप से शरीर बढ़ता है वह एक वृद्धि है, पर कैंसर जो है वो भी एक वृद्धि है। पर कैंसर ऐसी वृद्धि है कि वो बाकी शरीर का नाश कर देती है। तो कैंसर इज डिस्प्रोपोर्शनेट एंड डिस्ट्रक्टिव ग्रोथ। कैंसर में एक अंग जो है शरीर का वो इतना बढ़ने लगता है कि बाकी शरीर का नाश होने लगता है उसमें। तो उसी तरह से हमारे जीवन में हमको वृद्धि करनी है, पर अलग अलग पहलू है हमारे जीवन में, सब में हमें वृद्धि करनी है। कोई एक चीज में हम इतना लग जाते हैं कि बाकी दूसरी चीजों को हम ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर वह काफी विनाशकारी होता है। तो कोई काम में लग जाता है, तो जैसे अल्कोहलिज्म होता है, अल्कोहलिज्म मतलब लोग शराब भी बन जाते हैं, तो वैसे ही एक होता है, उसको कहते हैं, इसको कहते हैं द प्रेस्टिजियस एडिक्शन। साधारण तो कोई शराबी बन जाता है तो उसको लोग क्या बोलते हैं, ये तो क्या शराबी बन गया, उसका लोग अपमान करते हैं। पर एक प्रेस्टिजियस एडिक्शन है, वो क्या है? वर्कहोलिज्म। लोग काम के पीछे इतना पागल हो जाते हैं, कोई कहता है मैं 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम करता हूँ, अरे तुम इतने समर्पित हो अपने काम के प्रति। अगर कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो प्रोजेक्ट होता है, कोई महत्वपूर्ण चीज़ होती है, काम करना उतना है। पर क्या है कि हमारा काम ही हमारा जीवन नहीं है। तो अगर एक चीज़ के पीछे इतना कोई लग जाता है कि कि अपने बाकी सारे जीवन की ओर वो ध्यान ही नहीं देते हैं, तो वो एक चीज़ उसके सारे जीवन को कंज्यूम कर लेता है, खा जाता है। और ऐसे लोग वास्तव में सुखी नहीं रहते, उनका परिवार कभी टूट जाता है, उनका सेहत खराब हो जाता है। क्योंकि मानव मन इस तरह से नहीं बनाया है कि आप 15 घंटे 16 घंटे काम करें। तो पाश्चात्य देशों में जो जेंडर इक्वालिटी होती है, पुरुष और स्त्री सब हर दृष्टि समान होने चाहिए, उसका बहुत जोर देते हैं। तो मैं एक लेक्चर दे रहा था अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे बोल रहे थे कि हम अलग क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक विषय पे प्रवचन देते हैं पर दूसरों के लोगों के मन में कुछ चल रहा होता है, उनका सवाल वो विषय से संबंधित ही नहीं होता है। कहते कि एक तो एक लड़की सवाल पूछ रही थी कि आजकल भी समाज में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कि अगर आप देखो सारे टॉप कंपनीज है और टॉप कंपनीज के जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं वो अधिकांश रूप से पुरुष ही होते हैं, स्त्रियां नहीं होती हैं। तो बताया था हाँ ये सही है, क्योंकि स्त्रियां पुरुष ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं। मतलब क्या है कि जो स्त्रियां होती है वो कभी एक चीज़ को अपने प्रोफेशन को सारा जीवन नहीं बना देती। अगर उस स्तर पर किसी को जाना है तो वो लोग कंपल्सिव ऑब्सेसिव हो जाते हैं और वो केवल उसी एक चीज़ के पीछे पागल हो जाते हैं और फिर परिवार को ध्यान नहीं देते। पर जो स्त्रियों की बुद्धि है वो इस तरह से है कि थोड़ा बैलेंस रखते हैं, मुझे परिवार भी देखना है, बच्चे है, देख घर है, मेरा करियर भी अगर करना है तो करना है। तो क्या है, ये प्रपोर्शन जो है वह चला जाता है, जो प्रपोर्शन मतलब सही मात्रा में जो रखना है वह कभी कई बार हम रख नहीं पाते। जब नारद मुनि से युधिष्ठिर महाराज से मिलने आते राजसूय यज्ञ के पहले, तो उनसे कहते हैं कि जब हम जीवन में जी रहे तो हमारे जीवन के तीन पहलू हैं, धर्म अर्थ और काम। मोक्ष बाद में आता है पर धर्म अर्थ और काम,
और यहाँ पे काम मतलब केवल इंद्रतृप्ति नहीं है, उसको कह सकते हैं कि काम मतलब हमारे परिवार और पारिवारिक जिम्मेदारी है, उन सबको देखना। तो वो कहते हैं आप धर्म के पीछे इतना मत जाओ कि अर्थ और काम को त्याग दो, अर्थ के पीछे इतना मत जाओ कि आप धर्म और काम को त्याग दो, और काम के पीछे इतना मत जाओ कि धर्म और अर्थ को त्याग दो। ये तीनों को आप एक समन्वय रखो उनका, इन तीनों को साथ में संभाल के चलो। तो अभी हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में क्या है, एक तरह से विभाजन है धर्म अर्थ और काम। धर्म अर्थ और काम उसको कह सकते हैं, धर्म मतलब मंदिर, अर्थ मतलब घर, और धर्म मतलब मंदिर, अर्थ मतलब हमारा ऑफिस जो है दफ्तर, और जो काम जो है वह है हमारा घर। तो भक्ति जो है वास्तव में धर्म अर्थ काम नहीं है, भक्ति इन तीनों से परे है। और भक्ति का जो भाव है वो तीनों में हम ला सकते हैं, जो हम धर्म मंदिर में आके करते हैं, जो हम अर्थ की उत्पत्ति करते हैं वो भी हम सेवा भाव से कर सकते हैं। स्वकर्मणात्म अभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव, भगवान कहते हैं कि आप कर्म कर रहे हो पर वो एक पूजा के भाव में आप करो, और उसी तरह से हर एक कार्य हम जो करते हैं वो भक्ति के भाव से कर सकते हैं। तो इसमें समन्वय रखना है, मतलब क्या महत्वाकांक्षा क्या भक्त को छोड़नी चाहिए, ऐसे नहीं कि महत्वाकांक्षा छोड़नी है, पर महत्वाकांक्षा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एम्बिशन एंड ऑब्सेशन। महत्वाकांक्षा है और उसके पीछे पागलपन है। जो व्यक्ति पागल हो जाता है वह व्यक्ति बाकी सब चीज़ों को भूल जाता है, तो वैसे उचित नहीं है। तो सबका एक बैलेंस रखना है, और बैलेंस रखने के लिए, संतुलन रखने के लिए क्या है, हमें उद्देश्य ध्यान में रखना है। हमारा भगवान से संबंध है, हमारी भगवान की जो भक्ति है वो अलग अलग पहलुओं से चलती है, अलग अलग दिशाओं से चलती है, और हर दिशा में हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कभी कभी मंदिर में कई कार्यक्रम होते हैं तो हम ज़्यादा मंदिर, जन्माष्टमी होगा, कोई बड़ा उत्सव होगा तो मंदिर में ज़्यादा समय डालेंगे। कभी अगर हम घर में कुछ बड़ी जिम्मेदारी आ गई है तो वहाँ पे ज़्यादा समय डालेंगे, कभी ऑफिस में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है या कोई डेडलाइन है तो वहाँ पे हम उसका समय देंगे। तो क्या है कि हम तीनों में अब एक दूसरे से उसको बैलेंस कर सकें, जैसे ज़रूरत है उसके अनुसार। तो इसमें बैलेंस में महत्व कैसे हम पता चलता है कि हमें संतुलित है या नहीं है। संतुलन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हम कोई बोझा उठा रहे हैं, तो कोई अगर कोई ऐसे जैसे रामायण में बताया गया श्रवण था, वह अपने माता पिता को ठुकले लगे जा रहा था, तो मान लीजिए कोई वजन काटा है, या जस्टिस भी होता है दिखाते कि वजन काटा होता है, तो जब एक अगर हम दो बैग उठा रहे हैं और अगर एक साइड में बहुत वजन आ गया तो क्या होता है, वहाँ पर दर्द होने लगता है, और फिर तभी हम क्या करें, थोड़ा सा वो बैग इधर डाल देंगे या उसमें से तो सामान इधर डाल देंगे। तो जब हम संतुलन खो बैठते हैं तो क्या होता है, जैसे शरीर में दर्द होने लगता है जब संतुलन नहीं रहता है, तो वैसे ही अगर शारीरिक बोझा उठा रहे हैं तो मानसिक रूप जब बोझा उठा रहे होते तो अगर हमारा संतुलन नहीं रहता है तो मानसिक स्तर पर दर्द होने लगता है। वही व्यक्ति जो होता है वो इरिटेबल बन जाता है, छोटी छोटी बच्चे चीज़ों पर बहुत क्रोध करने लगता है, और जो है कभी हताश हो जाता है, कभी क्रोध हो जाता है, और जो स्वाभाविक रूप से जो कार्य कर रहा है वो कार्य नहीं कर पाता है। तो अगर हमारे मन का हम निरीक्षण करते हैं और हम देखते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ें विचलित हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, तो अगर वो संतुलन जा रहा है, अभी ये सब अपने आप होगा, कभी कुछ बुरी चीज़ हो जाएगी तो थोड़ा दुखी हो जाएगी, पर वो काफ़ी समय तक वैसे ही रह रहा है तो मतलब क्या है, हमारा संतुलन जा रहा है। तो अगर अभी ऐसे नहीं कि सब हमेशा हम सुखी रहेंगे, वास्तव में सुखी रहना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर हम चाहते हैं कि हम दूसरों से सुखी रहें, दूसरों से ज़्यादा सुखी रहें, और वो नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है, क्योंकि हम कल्पना करते हैं कि दूसरे हमसे ज़्यादा सुखी हैं। तो मैं कनाडा में था और वहाँ पे एक भक्त है, वो साइकोथेरेपी करते हैं, तो वो बता रहे थे कि कई सालों तक वो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी करते थे, मैं लोगों को एक एक साथ मिलके काउंसलिंग दिया करते थे, पर अभी उन्होंने ग्रुप साइकोथेरेपी चालू किया है। तो ग्रुप साइकोथेरेपी का मतलब क्या है कि कई लोग साथ में बैठते हैं, अपने सारे जीवन की समस्याएं अपने हृदय को खोलते हैं। तो मैं बोला था कि अरे कि अपने सारे जीवन की समस्या है
वो एक आदमी के बोल सामने बोलना भी मुश्किल, एक व्यक्ति के सामने बोलना भी मुश्किल होता है, तो 10 लाख के सामने लोगों के सामने 10-15 लोगों के सामने कौन बोलेगा? बोलेगा कि नहीं, हमारा कोड होता है कि कोई इसके बारे में कुछ किसी को बताएगा नहीं, सब सीक्रेट रहता है। पर वो बोलते हैं कि इससे क्या, इससे अनुकूल फ़ायदा क्या होता है कि जब सब लोग अपनी जो समस्याएं बताते हैं तो क्या होता है, सब लोगों को पता चलता है सबकी बड़ी बड़ी समस्या है। सो फ्यू थिंग्स मेक अस एज अनहैप्पी एज द बिलीफ दैट एवरीवन एल्स इज हैप्पी। कि बहुत एक बहुत ज़्यादा हमें दुख क्यों आता है, हमको दुख लगता है क्योंकि हमको लगता है बाकी सब सुखी है। पर वास्तव में अगर लोग अपना अपना हृदय खोलते हैं तो लगता है कि सबके जीवन में दुख है। तो वो बताया था कि एक बार उन्होंने ऐसे बहुत ही सब लोगों ने अपना हृदय खोल के सब कुछ बताया था, तो उन्होंने बोला अंत में एक्सरसाइज किया, थॉट एक्सरसाइज, मन पर विचार करो आप ऐसे कि आपके सारे जीवन की समस्या है अगर आप सब बाहर निकाल के इस टेबल के सामने रख दे, टेबल पर रख देंगे। तो उनसे पूछा उन्होंने, क्या आप में से कोई भी अपनी समस्या किसी और की समस्या से एक्सचेंज करना चाहेगा? पर किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। ठीक है, मेरी समस्या ही मेरे लिए अच्छी है। तो क्या होता है कि ऐसे नहीं है कि हम सुखी, हम सब सुखी है या दुखी है, सुख और दुख आते रहता है जीवन में। पर यह जो जीवन का द्वंद्व है, कभी कभी हमारा मन बहुत बढ़ा देता है क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे बहुत सुखी है। तो ऐसे नहीं कि हम दूसरे, हम चाहते हैं कि दूसरे दुखी रहे, पर ऐसे है कि सब जीवन, सबके जीवन में दुख आता है। तो संतुलन मतलब क्या है, संतुलन जब हम संतुलित होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा भावनाओं के द्वारा हम ऊपर नीचे फेंके नहीं जाते। ठीक है, कभी दुख होता है, थोड़ा दुख होता है, कभी अकेलापन महसूस होता है, कभी नाराज़गी होती है, कभी क्रोध आता है, पर आता है थोड़ी देर के चला जाता है। सागर में जैसे लहरें होती है वैसे आके चली जाती है, तो सागर ही तूफानी नहीं बन जाता है। अगर सागर ही तूफानी बन रहा है मतलब फिर क्या है, उसमें थोड़ा हमारा संतुलन चला गया, संतुलन में हमें वापस लाना चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट था कि हमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हम हमारा कर्म भी कर रहे हैं, हमारे परिवार की जिम्मेदारियाँ है, वो सबको हमें भगवान से जोड़ना है। मतलब मैं अगर ये सोचता हूँ कि मैं एक माँ हूँ, मैं एक पिता हूँ, और मेरा मेरी भूमिका है, मेरा जिम्मेदारी है कि ये बच्चे को सब बच्चे को अच्छी तरह से बड़ा करना, ये सही है जिम्मेदारी। पर कभी क्या होता है, जो बच्चा होता है वो बड़ा होने लगता है और फिर वो स्वतंत्र होने लगता है। तो मैं लॉस एंजल्स पे एयरपोर्ट पे था, तो वहाँ पे मैं रुका हुआ था फ्लाइट के लिए, तो वहाँ पे एक बुक स्टोर था, तो मैं बुक स्टोर में क्या क्या किताबें देख रहा था। तो एक किताब का टाइटल था वेयर हैज़ माई चाइल्ड गॉन, मेरा बच्चा कहाँ चला गया। तो मुझे लगा कि ये कोई सस्पेंस नॉवल होगा, किसी बच्चे को किडनैप कर दिया है। और फिर मैंने वो किताब पढ़ा, किताब का लिया, तो क्या था वास्तव में, वो पेरेंटिंग का किताब था कि एक कि जब बच्चा छोटा होता है, 9-10 साल के पहले होता है, तो जो बच्चे होनहार होते हैं, बड़े मधुर होते हैं, पर जब वो टीनेज में आ जाते हैं, 13-14 साल के होते हैं, उनके शरीर में जो हार्मोन्स होते आने लगते हैं, तो फिर वो बच्चा ऐसे बदल जाता है, कुछ ठीक तरह से बात नहीं करता है, कुछ सुनता नहीं है, अपने ही विचारों में रहता है, अपने अलग अलग भावना रहते हैं। तो वो माता पिता लगता है, अरे मेरा इतना अच्छा बच्चा था, कहाँ चला गया, ये उसकी जगह पर ये टीनेजर कौन आ गया है। तो फिर यहाँ पे क्या है कि जो अगर कोई माता पिता है वो अपनी खुद की पहचान इसी से कर लेते हैं कि मेरी प्रधान पहचान क्या है, मैं इसकी माँ हूँ या मैं इसका पिता हूँ। और अगर वो लड़का लड़की कुछ गलत कार्य करने लगते हैं तो हम उसको पर्सनली, ये मेरी हार है, ये मेरी कमी है, ये इसका मतलब ये है, उससे हम इनसिक्योर हो जाते हैं। तो फिर उससे क्या हो रहा है, उससे हम और ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, उससे ज़्यादा और उसका प्रतिकार होता है और चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। पर अगर हम समझते हैं कि मेरी जो प्रधान मेरी प्रधान पहचान जो है, ये मेरे माँ या पिता या पति या पत्नी ये नहीं है, मेरी प्रधान पहचान ये है कि मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान हमेशा मेरे हृदय में है, भगवान कभी मुझे त्यागते नहीं है, और भगवान के साथ भगवान की सेवा के रूप में मैं अलग अलग भूमिका है।
मैं एक माँ हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक भाई हूँ, मैं एक बहन हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, जो भी है वो सब। तो अगर ये स्थिरता अगर हमें रहती है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तो जो भी हमारी भूमिकाएँ हैं, हमारी पहचान है और हमारी भूमिकाएँ हैं, अगर हमारी भूमिका ही हमारी पहचान बन जाती है, तो फिर अगर उस भूमिका में कुछ समस्या आ गई तो हमें लगता है मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया। अगर कोई विद्यार्थी यह सोचता है कि मेरे जीवन का मेरी पहचान है कि मैं एक टॉपर हूँ, मैं पहला आता हूँ, और किसी एग्जाम में पहला नहीं आ पाएगा, तो मतलब मेरी पहचान ही चली गई। और कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से विद्यार्थी जो है इतने डिप्रेस हो जाते हैं, इतने डिप्रेस हो जाते हैं। एक भक्त बता रहे थे कि वो काउंसलिंग कर रहे थे, अभी क्या आज खास करके आजकल के ज़माने में युवक जो होते हैं बहुत उछलते हैं, तो लोग भक्त भी बन जाते हैं पर क्या है मन का जो चंचलता है वो जाती नहीं है। तो जब भक्त एक दूसरे को मैसेज लिखते हैं तो लिखते हैं प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस, कृपया आप मेरे सादर नम्र प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो ये भक्त बताए थे मुझे एक विद्यार्थी ने मैसेज भेजा प्लीज एक्सेप्ट माई फाइनल ओबेसेंसेस, कृपया मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। अंतिम प्रणाम मतलब वो कह रहा था कि मैं भी आत्महत्या करने वाला हूं। तो जो जो मन का जो अस्थिरता है उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, पर अगर कोई विद्यार्थी है और सोचता है कि मुझे अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है, मेरे जीवन के उद्देश्य है, यही मेरे जीवन मेरी पहचान है, और अगर मैं फेल हो गया तो मेरा जीवन खत्म हो गया। अभी फेल होना बुरी बात है, पर ऐसे नहीं कि उससे जीवन खत्म हो गया है, कि फेलियर इज अ बम्प ऑन द रोड ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड ऑफ लाइफ। अगर हमारी हार भी हो जाती है, वो हार मतलब क्या है कि जीवन के रास्ते में खड्डा आ गया है, उसे हमको थोड़ा झटका लग गया है, ऐसे नहीं कि जीवन का रास्ता जो अंत हो गया है। तो अगर हमें कोई भूमिका है, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक जो भी है भूमिकाएँ हैं, अगर हम भूमिका से खुद को पहचान लेते हैं तो फिर क्या होता है, वो भूमिका में समस्या आ गई तो हमको लगता है मेरा जीवन ही खत्म हो गया, पर हम समझते हैं कि ये मेरे जीवन में एक भूमिका है और मेरी पहचान है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तो फिर हमारे जीवन में स्थिरता आती है। तो इसीलिए कृष्ण कथोदयम, कि हमारी जो भी भूमिका है उसको हमें हमारे पहचान से कृष्ण के संबंध से जोड़ना चाहिए, और जब वो होता है कि ठीक है भाई ये भगवान की सेवा के रूप में कर रहा हूँ, ये जब भाव रखते हैं तो समस्या भी आती है तो वो समस्या से हम इतना विचलित नहीं होते, हम स्थिरता से आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है कि आखिरी पॉइंट में संक्षिप्त में लूँगा, एक्चुअली ये पूरा अपने आप में एक प्रवचन हो सकता है, कि हम दूसरों से आदान प्रदान जब करते हैं तो उसमें भी हमें कृष्ण कथोदयम, कि हमें सब चीज़ का संबंध कृष्ण से करना चाहिए, कि सारे संबंध दूसरों से आदान प्रदान कर रहे हैं तो उसको कृष्ण से जोड़ना चाहिए। अभी कृष्ण से जोड़ना चाहिए मतलब इस तरह से जोड़ना चाहिए कि वो व्यक्ति कृष्ण से जुड़े, न कि वो कृष्ण से दूर चला जाए। अगर हम किसी से बात करते हैं, मैं जब पहले अलग 20-22 साल पहले जब भक्त बना था, एक्चुअली भक्त अभी तक बना नहीं हूँ मैं, पर भक्ति से परिचय हो गया था, तो तभी मैं एक कंपनी में काम करता था और लगभग वो कंपनी के बस से मैं कंपनी जाता था, तो एक सवा घंटे का ड्राइव होता था। तो मेरा एक कॉलेज का मित्र था, वह भी उसी कंपनी में ज्वाइन किया था उसने, तो फिर मैं जिस बस में चढ़ता था, ओके दो स्टॉप बाद में वो चढ़ता था, और जब मैं बस में जाता था हमेशा मैं कुछ भगवद्गीता पढ़ता था या जप करता था या कुछ लेक्चर सुनता था, और किसी से कोई बात ही नहीं करता था भाई। तो तभी ये मित्र ने एक बड़ी गलती की, उसने पूछा तुम क्या कर रहे हो, और जैसे उसने वो सवाल पूछा तो पूरा जो हमारा भगवद्गीता का 6 सेशन कोर्स होता है वो सारे 6 सेशन को मैंने 1 घंटे में कंबाइन करके पूरा बता दिया, और फिर मैं खुद को सराहना कर रहा था, अरे कितना मैंने सारा फिलोसॉफी 1 घंटे बता दिया, पर ध्यान तो उसकी आंखें पूरी रोल हो रही थी क्या चल रहा है ये। और फिर उसके बाद में जब भी वो बस में चढ़ता था क्या करता था, वो बस में पहले देखता था, बस के 2 दरवाजे होते हैं,
एक बार देखता था मैं कहाँ बैठा हूँ, फिर दूसरे दरवाजे से चढ़ता तो कभी कभी क्या होता है कि हमें बड़ा उत्साह होता है, हमें लगता है कृष्ण भक्ति बड़ी अच्छी है, पर हम दूसरों को कृष्ण भक्त बनाने के लिए क्या कर देते हैं, हमको हम उनको पूरा ओवरडोज दे देते हैं। अभी हमको खुद कृष्ण भक्त बनने के लिए काफ़ी समय अलग अलग भक्तों से हम मिले, अलग अलग कुछ अनुभव आए, विचार किया और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, उसके बाद हमने धीरे धीरे स्वीकार किया है। पर हम सोचते हैं कि मैं एक एक बात एक सवाल का जवाब दूंगा और सब कुछ हो जाना चाहिए, और फिर हम कभी बहुत ज़्यादा जोर लगा देते हैं, और जोर लगा देते तो क्या होता है, उससे लोग पास में नहीं आते, उससे लोग दूर जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जब लोगों से आदान प्रदान करते हैं तो उनको कृष्ण भक्ति के ओर अनुकूल बनाते हैं, और कभी कभी अनुकूल बना सकते हैं हम उनको तत्व ज्ञान बताकर, कभी कभी अनुकूल बना सकते हैं हम सीधा साधा एक मानवीय स्तर पर अच्छा आदान प्रदान करके। दो तीन प्रसंग बताऊंगा मैं इसके बारे में। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में थे और वहाँ पे भक्त एक कॉन्डो में रहते थे, कॉन्डो कहता था कि एक साइड में एक अपार्टमेंट था और दूसरे साइड में दूसरा एक अपार्टमेंट था। तो वहाँ पे दूसरे अपार्टमेंट में एक वृद्ध स्त्री रहती थी और यहाँ पे भक्त रह रहे थे और भक्त कीर्तन करते थे। तो वो जो स्त्री थी उसने वो भक्तों के प्रति बहुत कंप्लेंट कर दिया था कि बड़ा आवाज़ करते हैं, ये ऐसे है। और तभी भक्त भी अधिकांश भक्त जो थे हिप्पी जैसे थे, अभी नए भक्त बन गए थे पर फिर भी जैसे हिप्पी की थोड़ी प्रवृत्तियाँ थी उनको। तो फिर क्या था, उसके बहुत शिकायत कर रहे थे। और अभी भक्त क्या होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर भक्ति के खिलाफ कोई कुछ भी बोलता है तो व्यक्ति उस व्यक्ति को असुर बोल देते हैं, ये असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो ये भक्त प्रभुपाद जी जब वहाँ पे उस मंदिर में आए तो उन्होंने कहा कि ये जो स्त्री है ये असुर है, ही इज अ डीमन। तो प्रभुपाद जी ने सुना और फिर क्या किया, फिर प्रभुपाद जी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे, तो वो गए मॉर्निंग वॉक के अपने भक्त के साथ शिष्यों के साथ, उन्हें जब बताया तो वापस जब आए वो तो उस कॉन्डो अपने साइड भक्तों के मंदिर के साइड में नहीं आए, वो दूसरे साइड में गए। और वो जो उद्दस्ती थी वो फिर उसको नॉक किया, फिर प्रभुपाद जी उसके साथ बात करने लग गए, और जो बात कर रहे थे इट लाइक अ टिपिकल ओल्ड पीपल टॉक, जो बूढ़े लोग बात करते हैं कि आप कहाँ से हो, आपके बच्चे कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपकी तबीयत कैसी है। और लगभग 15-20 मिनट तक प्रभुपाद जी ने बात किया और भक्तों को लग रहा था अभी प्रभुपाद जी बोलेंगे आपको जप करना चाहिए, ये करना चाहिए, भक्ति कह रहे कुछ भी प्रभुपाद जी ने बताया नहीं। और फिर उसके बाद में जब प्रभुपाद जी गए अच्छी बात कर चले गए तो सब भक्तों के चेहरे पे एक बड़ा सवाल था। तो प्रभुपाद जी तभी बोले कि ओल्ड पीपल समटाइम्स गेट लोनली, दैट्स व्हाई दे बिकम इरिटेबल। जो बूढ़े लोग होते हैं कभी कभी अकेले पड़ जाते हैं और अकेले मन के कारण वो चिड़चिड़े बन जाते हैं। तो प्रभुपाद जी वो जो मानवी साइकोलॉजी थी, मानवी विचार था उसको समझ के उसको वो एड्रेस करने लगे। प्रभुपाद जी ने एक भी बात नहीं की, तुमने मेरे विशेषों के प्रति ऐसे कंप्लेंट किया है, ये मत करो मत करो, कुछ भी नहीं बोला। और उसके बाद में प्रभुपाद जी चले गए और वो जब बाद में वो जो स्त्री प्रभुपाद शिष्यों से मिली बोली कि आपके स्वामी कितने अच्छे व्यक्ति हैं, सच ए नाइस पर्सन। और फिर जो भक्तों के प्रति शिकायत था वो खत्म हो गया उससे। तो क्या किया प्रभुपाद जी, प्रभुपाद प्रीच टू हर विदाउट प्रीचिंग टू हर। प्रभुपाद जी ने उसको कृष्ण के करीब लाया कृष्ण के बारे में एक शब्द बिना बोले भी। क्या किया उन्होंने, उन्होंने ऐसे किया कि इस तरह से एक मानवीय स्तर पर संबंध जोड़ा उससे जिससे कि उसको भक्त अच्छे लगे ऐसे लगने लगा, और वही उसके लिए पर्याप्त था उस समय के लिए। शायद उसको पूरे भक्ति का को स्वीकार करना भी संभव नहीं था। तो क्या है, कभी कभी हम क्या करते हैं, जब भक्ति का प्रचार करते हैं तो हम मानवीय स्तर पे लोगों से संबंध जोड़ते ही नहीं हैं, वो जो संबंध है उसको पूरा आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करते हैं, नहीं तो फिर उसको माया बोल देते हैं। ऐसे नहीं है, जो मानवीय स्तर पर, जो प्रभुपाद जी अमेरिका में जब चलते थे मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो वो अमेरिका में लोगों को जब ग्रीट करते थे हरे कृष्णा नहीं बोला करते थे, वो गुड मॉर्निंग बोला करते थे। वहाँ पे लोगों को हरे कृष्णा का समझने वाला है, वहाँ पे वो गुड मॉर्निंग बोला करते हैं। तो इसी तरह से हम जब लोगों से आदान प्रदान करते हैं
तो हम शायद हर जगह पे कृष्ण कथा नहीं बोल सकते, पर कृष्ण कथोदयम हाँ उनकी मानसिकता इस तरह से कर सकते हैं कि उनको लगना चाहिए कि ये व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति है, नाइस पर्सन, आई मीन अच्छे व्यक्ति से मिला, फिर बाद में ये परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी तब वो कृष्ण कथा सुनने के लिए और प्रेरित हो जाएगी। और इसमें एक महत्वपूर्ण है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो खास करके भारत में हर एक अधिकांश लोग ऐसे वो किसी पंथ से जुड़े होते हैं, किसी गुरु से जुड़े होते हैं, किसी चीज किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं। तो अभी जब इस तरह से वो उनकी कुछ कुछ धार्मिक संकल्पना है, धार्मिक धारणा है उनकी, और कभी कभी भक्त होते हैं ऐसे बोलते हैं ये गलत है, ये मायावाद है, ये ऐसा है, वो वैसा है, और फिर उससे क्या होता है उनकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुँच जाती और फिर वो भक्ति से दूर चले जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य होगा कि उनको सत्य बताना है, पर क्या वो हमारे वो सत्य बताने के लिए पात्रता है हमारी, क्या उनकी वो रिसेप्टिविटी है, उनकी उनकी भी पात्रता है कि सत्य सुन सकते हैं, भले ही वो जो अभी उनकी जो धारणा है वो भले ही गलत भी हो, पर इसका मतलब नहीं है कि हमको वो गलत बताना है। अभी अभी मान लीजिए कैसे है कि अगर कोई बहुत ठंडी है और कोई व्यक्ति उसने उसको एक शॉल या एक ब्लैंकेट है और वो बहुत ही पतला है, फटा हुआ है, पर उससे उसको ठंडी से राहत मिल रही है, और अगर हम उसको बोलते हैं भाई ये ब्लैंकेट इतना फटा हुआ है, इतना पुराना है, इतना निकम्मा है, छोड़ दो इसको, फेंक दो उसको, और फिर अगर हम उसे खींचने लगते, हम कहते हैं उसको मैं उससे अच्छा ब्लैंकेट तुमको दूंगा पर तुम इसको फेंक दो, पर अगर उसको वो ब्लैंकेट हम जो देने वाले वो दिखा नहीं रहा है, वो हमने उसको दिया नहीं है, तो उसके लिए वह जो शॉल है, वो जो ब्लैंकेट है, वही ठंडी से राहत का मार्ग है, और हम उससे वो छीन लेते हैं तो वो अपनी जान पे खेल उसको पकड़ के रखेगा, छोड़ेगा नहीं, और हमको उसका शत्रु मानने लगेगा। तो शारीरिक स्तर पर अगर ऐसे होता है तो हम ये आसानी समझ सकते हैं, पर ये जब भावनात्मक स्तर पर होता है कि इस जगत में बहुत सी चीज़ें हमारे मन को विचलित करती हैं, और कोई अगर किसी संस्था से जुड़ता है, कोई अगर किसी कुछ कीर्तन करता है, कुछ जप करता है, कुछ आध्यात्मिक कर रहा है, तथाकथित आध्यात्मिक भी कर रहा है, तो क्या होता है उसके द्वारा शायद उसको थोड़ा सत्व का अनुभव हुआ है, अगर रजस और तमस से सारा जीवन भरा हुआ है तो उसके द्वारा उसको थोड़ा सत्व का अनुभव हुआ है, और उससे उस व्यक्ति को थोड़ी शांति मिली है, भले ही वो जो शांति है वह कुछ ज्यादा उसमें कुछ ज्यादा अर्थ नहीं है शांति का, पर उससे उसको जब मन पीड़ित हो रहा था उससे थोड़ी राहत मिली उसको, तो क्या है उसके लिए वो एक ब्लैंकेट के समान है, फटा हुआ ब्लैंकेट क्यों ना हो, पर वो एक उसके लिए ब्लैंकेट है। तो अभी अगर हम उसको कहते ये तो मूर्खता है, ये या क्या कर रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो सब कुछ, ऐसे बोल देते तो क्या हो रहा है उससे हम वो ब्लैंकेट छीन रहे हैं, तो ब्लैंकेट छीन रहे हैं। तो अब तो क्या होता है वो हमको उसका शत्रु मानने लगता है, और फिर वह कभी वो न तो ब्लैंकेट छोड़ेगा न हमारी बात सुनेगा। तो हमें क्या करना है, हमें उसको ये गलत है ये बताने से बेहतर है सही क्या है उसका अनुभव दो, ठीक है तुम्हारे पास ये ब्लैंकेट है, ये ब्लैंकेट तुम ले लो, ये अच्छा ब्लैंकेट है, और अगर वो ब्लैंकेट उसके पास मिल जाता है, उसको वो पहनता है उसको, अरे इससे तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, इससे और राहत मिल रही है ठंडी से, और फिर अपने आप वो जो पुराना ब्लैंकेट है वो छोड़ देगा। तो एक भक्त कनाडा में थे, उन्होंने बताए थे कि उन्होंने कीर्तन कार्यक्रम अपने मंदिर में अपने घर में ऑर्गेनाइज किया था, आयोजित किया था, तो उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया था, तो फिर बाद में उनके जो पड़ोसी थे वो किसी ऐसे ही ऐसे गुरु जो खुद को भगवान मानते हैं उनकी उनके भक्त थे, तो उसको कहते हैं सेमी गॉड। सेमी गॉड मतलब क्या, से मी गॉड मैं भगवान हूँ
तो ऐसे तो वो बोले थे हमने उसका कीर्तन ऑर्गेनाइज किया उस गुरु का. तो ये भक्त सोचे थे कि मैं जाऊँ कि नहीं उसके कीर्तन में. तो मैं बोले कि हमको तो कीर्तन नहीं करना है, हमको भगवान का कीर्तन करना है. पर बोले मैं उनको हमने आ रहे घर में बुलाया था तो अभी हमको उनके घर में जाना चाहिए. तो वहाँ पे गए और कीर्तन चालू हो गया. फिर बाद में जो ये भक्त उनका बच्चा उनका जो लड़का था बहुत अच्छा गाता था तो उन्होंने भी देखा था वो उनके घर में आए थे अच्छा गा रहा था बहुत अच्छे से. बोले तुम इसको गाने को बोलो. तो कहा ठीक है ये गाएगा पर इसको सिर्फ कृष्ण के कीर्तन आते हैं. हाँ ठीक है कृष्ण के कीर्तन करो आप. और फिर क्या हो गया वो कृष्ण के कीर्तन करने लग गए और इतना अच्छा वो बच्चे गाया फिर वो मृदंग बजाए थे करता बजाए थे. तो पहले 5-10 मिनट वो कुछ उस गुरु के बारे में कीर्तन हुआ बाकी 2 घंटा कृष्ण का ही कीर्तन हो गया. तो क्या है कि इंडियंस आर मोर इंटरेस्टेड इन वर्शिप देन द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप. कि भारतीयों को कीर्तन करने में पूजा करने में रुचि है. किसका कीर्तन कर रहे हैं किसकी पूजा कर रहे हैं वो पता भी नहीं होता उनको. तो कई बार लोग मंदिर में आते हैं हाथ जोड़ते हैं बड़े ध्यान पूर्वक प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं. बाद में जाते हैं मुझे किसकी मूर्ति है यहाँ पे. तो क्या है कि जो थोड़ा सा जो भक्ति का भाव है वो उनके हृदय में है और उनके लिए वो किसकी पूजा कर रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है. भारतीय में से अगर कोई हिंदू है तो कोई भी हिंदू ये नहीं कहेगा कि कृष्ण भगवान नहीं है. पर अगर हमसे कृष्ण ही भगवान है ये भगवान नहीं है ये भगवान नहीं है ये भगवान नहीं है, है क्यों नहीं है भगवान. तो फिर उससे क्या होता है वो तत्वज्ञान की तरह से हम समझा सकते हैं उनको कि देवता है भगवान है. पर वो उस समय जब वो भावनात्मक रूप से संबंध जुड़ा हुआ है तो तब हम उनका खंडन करते हैं तो क्या होता है वो किसी अभी क्या है एक तरह से किस अनेक चीज़ों से व्यक्तियों को सत्व महसूस हो सकता है. तो जब सत्व महसूस होता है तो उनको लगता है इससे कुछ मुझे अच्छा मिल रहा है. और कोई उसका खंडन करता है तो बोलते ये क्या है मुझे इसका अनुभव हुआ है कुछ. तो हाँ अनुभव हुआ है भक्ति के भगवान का कीर्तन से और अच्छा अनुभव होगा. पर क्या है वी हैव टू बिल्ड ऑन पीपल्स प्रेजेंट एक्सपीरियंस नॉट डिनाई एंड डिस्ट्रॉय देयर प्रेजेंट एक्सपीरियंस. अभी जो लोगों का अनुभव है उसके आधार पर हमको और आगे बढ़ाना है. अगर उनका जो अनुभव है वह उसको हम ठुकरा देंगे ये सब माया है तो फिर वह उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे वह चले जाएंगे वह उससे क्या हो गया वो दूर चले जाएंगे भक्ति से. तो इसीलिए कृष्ण कथ कभी कभी ऐसा होता है कि हम कृष्ण के बारे में कथा नहीं कर सकते सीधा पर कृष्ण कथों दे ऐसा माहौल तैयार करो जिससे कि वो कृष्ण के और अनुकूल हो जाए. मैं अमेरिका में था तो एक भक्त एक परिवार था उनके घर में मैं प्रसाद के लिए गया था तो बताया था कि उनका जो बच्चा है वो बहुत ही होशियार था रोबोटिक्स में वो रोबो बनाता है. मैं पिछली बार ये कहानी बताई थी यहाँ पे आया था नहीं. तो वो रोबो बनाने में बड़ा निपुण था. तो अभी क्या है जब रोबो बनाते हैं आज करके आपको अमेज़ॉन जो ऑनलाइन कंपनी होती है इससे लोग बहुत सी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो अमेज़ॉन में बहुत से लोगों को एम्प्लॉय करते हैं पर अधिकांश जो पैकिंग करते हैं वो रोबोट्स के द्वारा कराते हैं. तो अमेज़ॉन जो है वो सबसे ज़्यादा फंडिंग कर रहा है रोबोटिक्स के लिए क्योंकि उनके लिए जो पैकिंग करवाना है यहाँ से उठाना है वहाँ पर लेके जाना है तो रोबो करेंगे तो रोबो और एफिशिएंटली करेंगे. तो ये जो वक्त है तो वो कुछ 10-11 साल का होगा पर वो अमेरिका के नेशनल लेवल रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन में वो जाने वाला था अभी और स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल जीता था वो स्टेट लेवल जीता था नेशनल लेवल जाने वाला था. तो फिर उसके माता पिता बता रहे थे कि इसको रोबोटिक्स में बहुत रुचि है पर इसको भक्ति करने को बोले कुछ भी रुचि नहीं है इसको भक्ति में तो हम क्या करें. तो बोल रहे थे कि किसी भक्त से हमने पूछा तो वो बता रहे थे कि वास्तव में ये क्या है रोबोटिक्स ये तो जड़ विद्या है ये तमोगुण सारे मशीन जो है तमोगुणी है. और फिर महाभारत से कुछ कहानी बताई ये क्या है अज्ञानी लोगों के सारे तंत्र ज्ञान होता है ये. तो बोले उसको तो इतनी रुचि है इसमें हम कैसे उसको भक्ति में रुचि ले रहे. तो फिर मैं उससे बात कर रहा था बड़ा बुद्धिमान लड़का था तो तुम रोबोट्स कैसे बनाते हो तो मुझे बताया था पूरा थोड़ा कैसे वो क्या क्या पार्ट्स लाता है कैसे असेंबल करता है. और फिर मैंने उससे पूछा कि तुम जब रोबोट्स कॉम्पिटिशन में रोबोट बनाते हो तो तुम रोबो कौन सा रोबो बनाया है
वो कहाँ से आइडिया लाते हैं? तो बोलते हैं कि अधिकांश रूप से हम वही रोबोट बनाते हैं कि जिसके मोटर फंक्शन बहुत अच्छे हो, आसानी से झुके उठे, वजन उठाए, क्योंकि अमेज़ॉन के लिए वो बना रहे हैं हम, क्योंकि अमेज़ॉन ही ऐसे ये कॉम्पिटिशन को फंड करती है। तो मैंने उससे कहा कि क्या तुम एक नया प्रकार का, तुमको कोई नया आइडिया चाहिए? हाँ बोलिए। तो मैंने कहा कि तुम ऐसे रोबो बना सकते हो जो क्या है, एक रोबो कृष्ण भगवद्गीता बोल रहा है श्लोक और अर्जुन सवाल पूछ रहा है। तो उसे सुना नहीं, अब चला गया वहाँ से। फिर मैं उस माता पिता से बात कर रहा था, 5 मिनट के बाद आया, बोला एक्चुअली आइडिया बहुत अच्छा है, कोई भी ऐसा रोबो नहीं बनाने वाला है, तो मेरा जो रोबो एकदम यूनिक हो जाएगा, वो सबसे अलग हटके हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में जब उसके पिताजी ने फ़ोन किया था, बता रहे थे कि अभी वो भगवद्गीता बड़े ध्यान से पढ़ रहा है क्योंकि उसको अपने रोबोट से भगवद्गीता बुलवाना है तो क्या है कि अगर उसको रोबो में रुचि है तो वी हैव टू बिल्ड ऑन पीपल्स एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस, नॉट डिनाई और डिमीन देयर एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस। अगर उसको रोबोटिक्स में रुचि है, ठीक है, उसमें कैसे भगवान ला सकते हैं, उसको भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं? तो ये कुछ तंत्र ज्ञान के बारे में हो सकता है, ये कुछ अधार्मिक मार्ग के बारे में हो सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। जो लोग जहाँ पे हैं वहाँ से उनको आगे कैसे बढ़ाए, जो उनके पास अभी जो उनको जो ब्लैंकेट है उसके उससे अच्छा ब्लैंकेट देना है, पर उसके पहले उसके उनका जो ब्लैंकेट छीनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम उनका ब्लैंकेट छीन लेते हैं तो फिर क्या होता है कि वो हमको उनका शत्रु मानने लगते हैं। हम उनके शत्रु नहीं हैं, उनके हित चिंतक हैं, पर हम उनके शत्रु जैसे कार्य करते हैं। तो कभी कभी जो भक्त प्रचार करते हैं, कभी कभी वो थोड़ा उनका गर्व होता है कि मैंने इतने लोगों को भक्त बनाया, इतने लोग मेरे कारण कृष्ण के पास आए। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रचारकों प्रीचर्स को एड्रेस कर रहा था, तो मैं बोला देख कई बार हम ऐसे गिनते हैं कि मैंने इसको भक्ति में लाया, इसको भक्ति में लाया, इसको भक्ति में लाया, इतने लोग कृष्ण के पास मेरे कारण आए, पर कभी हम ये गिनते नहीं हैं कि कितने लोग मेरे कारण कृष्ण के पास नहीं आए जो मैंने ऐसा बर्ताव कभी फैनेटिकल बर्ताव किया होगा, बहुत जोर से मुझे बात बताई होगी, उसके कारण लोग कृष्ण से दूर चले गए। और ऐसा ज़रूर हो सकता है, हो सकता है नहीं, कई बार हुआ भी होगा। तो वो जो विद्यार्थी था, मेरा मित्र था, उसको मैं शिकागो में मिला अभी, जिसको बोला था ना कि पूरा 1 घंटे में 6 सेशन कोर्स दे दिया। तो अभी हम जो बात कर रहे थे, अभी वो बड़े अमेरिका के बड़े कंपनी में स्थित है, तो उसकी बहन भक्त बन गई है। तो उसकी बहन मुझे मिली थी और उसने बताया कि तुम इसको जानते हो, उस लड़के को? हाँ, बोला हाँ मैं जानता हूँ। तो फिर मैं उससे बातचीत किया, फिर हम दोनों हंस रहे थे कि किस तरह से, तभी मैंने उस तरह से बोला मुझे अभी तक याद है। तो जब वो आया भी मुझे मिल रहा, थोड़ा सहमा हुआ था क्या क्या अभी पूरा डोज देने वाला था उसका फिर तो फिर वो भी बराबर बोला कि अभी बात जाते थे, बोले तुम बदल गए हो अच्छा क्या बदल गए? बोले यू बिकम अ लिटिल मोर ह्यूमन कि तुम थोड़े और मानव बन गए हो तो क्या होता है कभी कभी हम भक्त बन जाते हैं तो हम हमारी मानवता को भूल जाते हैं। तो ऐसे नहीं है। सो आवर स्पिरिचुअलिटी इज मेंट टू ग्रो, इज मेंट टू इंक्रीज, एक्सपैंड आवर ह्यूमैनिटी, नॉट डिक्रीज आवर ह्यूमैनिटी। तो अगर हम भावना जो मानवीय स्तर पे जो भावनाएं हैं, जो आदान प्रदान है, कुछ कुछ लोगों के साथ भक्त के स्तर पे हम नहीं कर सकते, मतलब उनको भक्ति में रुचि है ही नहीं, तो फिर एक मानवीय स्तर पे संबंध जोड़ लें। उससे क्या होगा, वो कम से कम भक्त से भक्ति से अनुकूल हो जाएगी, और अनुकूल हो जाएंगे। और जब उन क्या है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि मुझे, मैं इसको भक्त बनाने वाला हूँ, ये वास्तव में मोह है। हम किसी को भक्त नहीं बनाते हैं, वास्तव में हमको भगवान निमित्त बनाते हैं, और वो उनके हृदय में भगवान है, और भगवान जब जो बात भी बोलते हैं, भगवान उनको बुद्धि देते हैं, भगवान समझ सकें। तो हमें देखना है कि भगवान की योजना है सबके लिए, और भगवान की योजना में मैं एक सहयोगी हूँ। तो अगर मैं इस व्यक्ति को भक्ति का एक अनुकूल चित्र देता हूँ, उसको भक्ति के अनुकूल बनाता हूँ,
तो भगवान उसके हृदय में है और सही समय में भगवान उस व्यक्ति को भक्ति की ओर लेके आ जाएंगे। जब इस तरह से हम भाव रखते हैं कृष्ण कथोदयम के, कृष्ण कथा के अनुकूल बना दो, तो फिर हम देखेंगे कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे रिश्तों में, हमारे ऑफिस में वगैरह, हमारे सोशल सर्कल्स में क्या है, जो कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन होगा वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। कुछ हद तक तो टेंशन रहेगा ही, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ लोग भौतिकवाद करना चाहते हैं, तो संघर्ष तो रहेगा एक तरह से। पर क्या है, नहीं थोड़ा टेंशन रहेगा, संघर्ष नहीं जरूरी है, पर क्या है कि हम अगर उस पर जोर नहीं देते हैं तो हम एक मानवीय स्तर पर अगर संबंध जोड़ते हैं तो फिर क्या है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो सकती है। कि हमें देखना है कि मुझे भक्ति करनी है और दूसरों को भक्ति के अनुकूल बनाना है। अगर भक्त बन जाते हैं तो अच्छा है, भक्त नहीं बनते हैं, कुछ लोग प्रतिकूल है तो ठीक है, वो प्रतिकूल है, पर फिर भी वो मेरे भक्ति में व्यत्यय नहीं ला रहे हैं। अगर हम उनको, लोगों को उनकी जगह देते हैं तो वो भी हमको हमारी जगह दे देंगे। ठीक है, तुम ऐसे करो, मैं तुमको, तुम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा और तुम भी मुझ पे ज़बरदस्ती मत करो। तो उस तरह से भी हम अगर सिर्फ ये देखते हैं कि मैं इस व्यक्ति की भगवान, वो भी आत्मा है, वो भी भगवान की ओर जा रहा है, उसकी भी भगवान की ओर जाने का उद्देश्य है, तो मैं ये व्यक्ति जहाँ पे है वहाँ पे उसको कैसे मदद कर सकता हूँ कि एक पद आगे बढ़ाए। तो ऐसे नहीं कि हमें उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसको खींच के पूरा सैर लेके जाना है, एक कदम आगे लेके जाओ, उतना भी भाव रखते हैं तो ज़रूर हम देखेंगे कि न केवल लोग भक्ति के अनुकूल बन जाएंगे पर हमारे जो, कभी कभी हमको ऐसा लगता हो कि भक्ति के कारण कुछ टेंशन बढ़ जाता है, समस्याएं बढ़ जाती है, संबंध कुछ कम हो, संबंध में कुछ तनाव आने लगता है, वो सारा कम हो जाएगा और जो हम भक्ति और अच्छी तरह से सत्व में रह के कर सकते हैं। तो सारांश में आज हम चर्चा की तीन प्रधान विषयों पे कि कैसे हमें हर, जब भी हम शास्त्र कृष्ण कथोदयम, हर चीज़ को कृष्ण की ओर ले जाना है, कैसे कृष्ण का संबंध जो है कम से कम उसका उदय कराना है। शास्त्रों का भी अध्ययन करते हैं, शास्त्र में अनेक अनेक कहानियाँ होती है, अनेक कहानियों में भी कहानियाँ होती है, तो उसमें कभी कभी हम गुमराह हो सकते हैं। तो उसमें क्या है, हमें देखना है कि हर चीज़ का संबंध कृष्ण से कैसे है, और शास्त्र में भी अगर हम कुछ पढ़ते हैं जिसका संबंध कृष्ण से दिखाई नहीं देता है तो उससे हमको बौद्धिक स्तर पर शंकाएँ आने लगती है, मानसिक स्तर पर इच्छाएँ आने लगती है, वासनाएँ जागृत होने लगती है, तो क्या है, ठीक है ये मेरे भक्ति के लिए भी अनुकूल नहीं है, मैं इसको बाजू पर रखूँगा और मैं आगे भक्ति करूँ। शास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ब्रह्मांड का वर्णन है, कुछ बड़ी असाधारण संख्याओं का वर्णन है, ठीक है उसको बाजू को रखो और महत्वपूर्ण क्या है कि भगवान पे केंद्र करो। ठीक है, जैसे मोहिनी मूर्ति का वर्णन जो है वो अश्लील नहीं है, वो उस कहानी की जो मोड़ को समझाने के लिए वर्णन किया गया, पर उससे अगर मेरे मन में अश्लील विचार आ रहे हैं तो मैं उसके लिए ध्यान नहीं दूंगा। तो हर चीज शास्त्र पढ़ते समय भी हम गुमराह हो सकते हैं, तो इसलिए हमें कृष्ण कथा से, कृष्ण से संबंधित जो है उस पर जोर देना है शास्त्र पढ़ते समय में। फिर हमारे जीवन में जो हम कार्य करते हैं तो सबको हमें कृष्ण, अगर कृष्ण के कार्य नहीं कर सकते हैं तो भी जो कार्य है उसको कृष्ण से अनुकूल बनाना है। मतलब क्या है कि हमारे जीवन में धर्म अर्थ काम है, हमारा मंदिर है, हमारा घर है, हमारा दफ्तर है, तो इन सबको बैलेंस करना है। भक्ति जो है वह ऐसे नहीं कि सिर्फ मंदिर में की जाती है, भक्ति एक भाव है और वह हर चीज़ में आ सकती है। तो महत्वाकांक्षा हो सकती है क्योंकि वृद्धि ये जीवन का एक स्वाभाविक लक्षण है, पर कैंसर में क्या होता है, एक चीज़ इतना बढ़ता है कि दूसरी चीज़ों का नाश कर लेता है। तो वैसे ही कुछ महत्वाकांक्षी लोग जो होते हैं वो इतने महत्वाकांक्षी बन जाते हैं कि वो वर्कहोलिक्स हो जाते हैं, अपनी सेहत, अपना परिवार, अपना सारा, अपना कर्म ही अपना जीवन बना लेते हैं, और फिर उससे वह खुद भी अकेले पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हाँ, इसलिए हमें एक बैलेंस रखना है, और संतुलन रखने का मतलब यह है कि जिस चीज़ को ज़रूरी है उस चीज़ को उतना महत्व दे, कभी एक चीज़ ज़्यादा करना पड़ सकता है, कभी दूसरा चीज़ ज़्यादा करना पड़ सकता है, हमारे जीवन के उद्देश्य के हम अग्रसर रहते हैं। और संतुलन कब चला गया हम समझ सकते हैं, जब हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है, जैसे हम बहुत वजन एक साइड में उठा रहे तो वो शायद शरीर दर्द करने लगता है उस साइड में, वैसे ही संतुलन चला जाता है तो मन ज़्यादा ही विचलित होने लगता है।
तो हमें मन को शांत और जहाँ तक हो सके प्रसन्न रखना है। तो हम प्रसन्न कई बार इसलिए नहीं होते कि हम सोचते हैं कि दूसरे मुझसे ज़्यादा सुखी है, पर इस दुनिया में सबको दुख है, हमको हमारे जीवन के अनुसार जीना है। और संतुलन रखने के लिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि धर्म अर्थ और काम सबको समन्वय में रखो, किसी एक चीज़ को इतना मत बढ़ाओ कि दूसरे चीज़ की ओर दुर्लक्ष्य हो जाए। और उसमें बताया कि ये इसके लिए क्या है, हमारे अर्थ और हमारे काम में हम अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, अगर वो भूमिका ही हमारी पहचान बन जाती है तो फिर वो भूमिका में समस्या आ जाएगी। अगर मेरा विद्यार्थी मेरी पहचान बन गई, अगर मैं फेल हो गया तो व्यक्ति आत्महत्या करने पर जरूरत हो जाएगा, क्योंकि उसने वो भूमिका है उसको पहचान बना लिया। पर भक्ति हमें बताती है कि हमारी पहचान है मैं भगवान का सेवक हूँ, और उसमें मैं विद्यार्थी हो सकता हूँ, माँ हो सकता हूँ, बहन हो सकती हूँ, पिता हो सकता हूँ, जो भी है वो सब भूमिका है, और उसमें जितना जिम्मेदारी से मैं कर सकता हूँ वो कार्य करूँगा मैं। और आखिरी, जब हम दूसरों के साथ आदान प्रदान करते हैं तो हमें देखना है कि किसी सबको कृष्ण कथा शायद हम बता नहीं सकते, तो कृष्ण कथोदय। आध्यात्मिक स्तर से अगर हम संबंध नहीं जोड़ पाते हैं तो फिर हम एक मानवीय स्तर पर संबंध जोड़ सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने उस वृद्ध स्त्री से बिना कृष्ण के बारे में कुछ बात किए उसको कृष्ण के करीब ले आए। तो हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि भगवान की योजना में मैं एक सहभागी हूँ। मैं किसी को भक्ति बना सकता पर मैं भक्ति के इसको अनुकूल बना सकता हूँ। तो लोगों की जो पूर्व जो इच्छा अनुभव है, श्रद्धा है, आकर्षण है, उसको हमें आगे बढ़ाना है, उस पर हमें बिल्ड करना है भक्ति को, लेकिन उसको 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 डिस्ट्रॉय करके, उसको नाश करके हमें बढ़ाना है। तो जो भी लोगों को अभी आकर्षित करता है, कुछ अलग अलग धार्मिक मार्ग हो, तथाकथित भी हो, वो क्या है, एक तरह से उनका वो शॉल है, ब्लैंकेट है, जो फटा हुआ हो, पतला हो, पुराना हो, फिर भी उनको थोड़ी ठंडी से राहत दे रहा है, थोड़ा उनको सत्व शांति का अनुभव दे रहा है। अगर हम उनसे उसे छीन लेते हैं, उनको बोलते हैं ये सब गलत है, ये सब मोह है, तो फिर वो हमको शत्रु मान के हमसे दूर चले जाएंगे। पर वो जहाँ भी है उनको, उनकी स्थिति में हम अनुभव कर, एक मोटा ब्लैंकेट, अच्छा ब्लैंकेट, अच्छा जो ब्लैंकेट है वो उनको पहनाते हैं, उनको अनुभव करा देते हैं, अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, वो अपने आप उनका जो पहला ब्लैंकेट है वो छोड़ देंगे। तो कई बार लोगों को कीर्तन और पूजा और दर्शन में रुचि होती, किसका कीर्तन हो रहा है, किसकी पूजा है, किसका, वो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जब हम वो जो कर रहे हैं वो गलत बोल देते हैं तो उससे वो विचलित हो जाते हैं। तो जो कर रहे हैं उसमें ही हम भक्ति लगा ला देंगे तो फिर धीरे धीरे वो भक्ति के और अनुकूल हो जाएंगे। और जब हम इस तरह से मानवीय स्तर पर लोगों से संबंध जोड़ते हैं तो भले ही वो भक्त न बने और भले ही वो भक्त के अनुकूल भी ज़्यादा अभी दिखे नहीं, पर फिर भी क्या है, हमारा उनके संबंधों में जो तनाव है वो कम हो जाएगा, और हम जो हमारी भक्ति हम उनको उनकी जगह दे देंगे तो भी उनको वो हमको हमारी जगह देंगे और हम अपनी भक्ति अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी कोई सवाल है? यस सर। तो क्या भूमिका अच्छी करने के लिए, जैसे करने के लिए उससे खुद को पहचानना, उसको अपना परिचय बनाना एक तरह से ज़रूरी नहीं है? हाँ ज़रूरी है। अभी कैसे है, जैसे भगवद्गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, देही नोस्मि यथा देहि कौमारम् यमाचरः, कि शरीर के पर जो आत्मा है वो हो। पर उसके बाद में ही अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष सुख दुखदा आगम अपायनुते स्थान स्तिक्षस्व भारत। तो कौन्तेय भारत, ये तो शरीर से संबंधित नाम है,
कुंती के पुत्र या भरत वंश में जन्म हुए। तो अभी अभी भगवान ने बताया कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और फिर बाद में उसके बाद तुरंत शरीर के स्तर पे वो उनको संबोधित कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं है कि, तो एक इसको कह सकते हैं कि हमारी एक इंग्लिश में कहते हैं इज अ फंक्शनल आइडेंटिटी एंड अ फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंक्शनल आइडेंटिटी मतलब इसको ऐसे व्यावहारिक और पारमार्थिक कह सकते हैं। तो व्यावहारिक स्तर पर हमारी एक पहचान है और पारमार्थिक स्तर पर हमारी एक पहचान है। तो क्या है, पारमार्थिक स्तर पर जो पहचान है वो हमें हमारे मन में रखनी चाहिए, पर जब व्यावहारिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं तो फिर हमें व्यावहारिक पहचान बतानी है हमारी। अगर हमको कोई पूछेगा आपका नाम क्या है, आई एम अ स्पिरिट सोल, आपका नाम, मैं एक आत्मा हूँ, तो वो कुछ व्यावहारिक स्तर पर उसका कुछ उपयोग नहीं है। तो तभी हमें क्या देखना है, जो व्यवहार के लिए उचित है उस भूमि के अनुसार हमें कार्य करना होता है। तो अभी उसके साथ पहचान करना एक तरह से जिम्मेदारी का लक्षण है। तो इसमें इसमें एक है कि ये पूरा एक प्रोजेक्ट हो गया कि देयर इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिकमिंग अटैच्ड। जिम्मेदारी लेना जरूरी है पर आसक्त लेना, आसक्त होना अच्छा नहीं है। अभी जिम्मेदारी लेना मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, तो वास्तव में वो डॉक्टर को वो पेशेंट के प्रति थोड़ी कंसर्न, थोड़ी चिंता, थोड़ी पेशेंट दर्द में है, पेशेंट ठीक हो रहा है कि नहीं, उसके बारे में थोड़ी भावना, थोड़े एहसास तो ज़रूर होना चाहिए। पर कभी कभी अगर कोई कोई अगर डॉक्टर बहुत से लोगों को ट्रीट कर रहा है, खास करके कोई ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर में ट्रीट कर रहा है, तो एक भक्त है जो बहुत ही अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट है, सिएटल के पास छोटा पोर्टलैंड नाम का शहर, वहाँ पर रहते हैं वो। तो बता रहे थे कि कई अभी वो ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट का तैयार कर रहे हैं कि जिससे अन्वेषण बहुत कटिंग एज रिसर्च करके वो लोगों को बचाने में बहुत कुछ मदद करे, जो जो ऐसे कैंसर क्योर नहीं होता है उसको क्योर ढूंढ रहे हैं और यशस्वी भी हो रहे हैं। पर तभी मैं उनसे बात करता, बोले कि एक चीज़ है कि एक तो उनको अपने पेशेंट्स के प्रति बहुत कंसर्न होता है, बहुत चिंता, एक व्हाट इज कंसर्न, इज नॉट चिंता इज वरी, व्हाट इज कंसर्न, परवाह, काजी, ओके, उनकी परवाह तो होती है। पर बोलते हैं कि अगर कोई पेशेंट ठीक नहीं होता है, अगर कोई पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, जैसे कि मेरे ये ज़रूरी है कि आई डोंट लेट इट गेट टू मी, कि अगर उसके द्वारा मैं इतना हताश हो गया तो फिर आगे संशोधन करने की इच्छा ही चली जाएगी। तो इसलिए क्या है कि वो एक बैलेंस रखना पड़ता है, वी वॉन्ट टू बी कंसर्न्ड, उसके जब हमारा कंसर्न होता है, परवाह होती है, तो उससे हम जिम्मेदारी लेते हैं। पर अगर हम आसक्त होते हैं तो मतलब क्या है कि तो वो चीज़ हमारे मन को इतना पकड़ लेती है कि हम किसी और चीज़ का विचार ही नहीं कर पाते, अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उससे हम पूरा हताश हो जाते हैं। तो हमें तो कैसे है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वी हैव टू गिव इट एडिक्वेट अटेंशन, जो जितना ज़रूरी ध्यान है उतना ध्यान देना चाहिए, पर वी कैन नॉट लेट एनीथिंग गेट मोनोपोली ऑन आवर अटेंशन। किसी एक चीज़ को हम, वो हमारी चेतना को हम कब्जा नहीं कर सकते उसको। तो आसक्ति मतलब क्या है कि अभी जैसे धृतराष्ट्र दुर्योधन के प्रति आसक्त हो गया था, मतलब क्या है, वो केवल दुर्योधन की भावनाओं के बारे में विचार करता था और बाकी दूसरों की भावनाओं के बारे में विचार ही नहीं कर रहा था। अभी उसके सामने ही जो पांडव उसको अपने पिता के समान मानते थे, और वो क्योंकि पांडव के पिता नहीं थे तो उसके लिए वो अपने पुत्र के समान थे, पर उनपे क्या गुजर रही है वो महसूस ही नहीं कर पा रहा था। द्रौपदी का इतना अपमान हो रहा था, द्रौपदी उसकी बेटी ऐसी ही है, अभी बहू है, उसके परिवार की बहू है, पर उस पर ऐसा अत्याचार हो रहा है, वो अनुभव ही नहीं कर पा रहा था। तो क्या होता है कि जब आसक्त होते हैं, तो पिछले बार जब मैं आया था बताया था कि देर इज इनसेंसिटिव एंड डिसेंसिटाइज, जब हम आसक्त हो जाते हैं तो किसी एक चीज़ के बारे में हमारी भावना इतनी फंस जाती है तो बाकी सारे चीज़ों के बारे में हम असंवेदनशील हो जाते हैं, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं,
असंवेदनशील होते हैं, कुछ उसके बारे में महसूस ही नहीं कर पाते। तो हमें क्या है कि हमें ज़रूर परवाह करनी है, और उसके लिए एक व्यवहारिक स्तर पर जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे हमें पहचानना है। अगर कोई कीर्तन करता है अच्छी तरह से, तो उसको शायद खास रूप से अपना जो गला है उसका देखभाल करना पड़ेगा, जो क्या खाता है बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। पर अगर उसके साथ ही उसको पहचान कर लेता है, और किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बुद्धिमान है, बहुत अच्छा प्रवचन देता है, पर मान लिया कि उसको वाणी मधुर नहीं है, तो क्या है इसकी वाणी मधुर नहीं है, उसको सुनूंगा ही नहीं, ऐसे नहीं है। तो जो हमारी भूमिका है वह हमारे ज़रूरी है, उससे कुछ हद तक पहचान लेना, पर पूरी तरह से उसे पहचान लेना वो अच्छा नहीं है। और इसके लिए, और खास करके आजकल के समाज में तो हमको अलग अलग भूमिकाएं लेनी पड़ती हैं, इसलिए वो एक भूमिका से पूरी तरह से पहचान नहीं होती है, पर अगर हो जाती है तो उससे हमको ध्यानपूर्वक खुद को पीछे खींचना चाहिए। दिस इज माई रोल, दिस इज़ माई सर्विस, बट आई हैव अ बिगर रिलेशनशिप विद कृष्णा। ये मेरी भूमिका है, ये मेरी सेवा है, पर मेरा जो संबंध है भगवान से वो इससे बड़ा है। ओके, थैंक यू। कोई सवाल है किसी का? यस प्रभु। क्या उदाहरण दे सकते हैं आप? कि अगर हम इस संस्था से जुड़े हैं तो संस्था के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, तो फिर अगर कोई उस स्टैंडर्ड में नहीं आ पा रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर हम कोई बेस में रहता है तो वो वहाँ के नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं, कोई और चीज़ से आ सकते हैं, तो फिर तभी हम क्या करना चाहिए? उनको बेस से निकालना चाहिए या उनको प्रतिवर्त करना चाहिए जिससे कि वो रह सके? ये एक समस्या है, हमेशा रहती है। वो क्या है कि एक है, मैं इंग्लिश में कहता हूँ, दस अ डिफरेंस बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड द मूवमेंट। जो संस्था और आंदोलन, इन दोनों में फ़र्क है। और जो आंदोलन है, जो हरे कृष्ण भावना भावित लोग हैं, वह केवल हरे कृष्ण संस्था में से जुड़े से नहीं, उससे काफ़ी कृष्ण भक्ति, ये कृष्ण भावना आंदोलन से बड़ी प्राचीन है। तो अभी क्या है, एक तरह से इसका उदाहरण देते हैं, साधा स्टैंडर्ड उदाहरण इसके लिए है कि अगर एक वर्षा की से पहाड़ पे होती है, और वहाँ पे फिर जल की ट्रिकलेट्स, जल प्रवाह करने लगता है, तो जल बार 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 प्रवाह करता है, तो क्या होता है उसके द्वारा वहाँ पे एक नदी बन जाती है। छोटे छोटे जल के धाराएं आती है, फिर वो साथ में आती है, एक नदी बन जाती है। और अभी जो नदी बन जाती है, नदी सीधा धीरे 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 वो सागर की ओर जा रही होती है, और अगर नदी बार 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 उसी दिशा उसी मार्ग से सागर पर जाने लगती है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, एक नदी का एक रास्ता बन जाता है, उसको रिवर बेड कहते हैं, नदी का जो रास्ता है। और फिर वो नदी के रास्ता जो है उसके द्वारा जो नदी जो जल है आसानी से सागर तक पहुँच सकता है। पर कभी कभी ऐसे हो सकता है कि वो नदी के धारा में व्यत्यय आ जाए, कोई व्यक्ति आके डैम बना सकते हैं, या कोई भूकंप हो सकता है जिससे कि वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है और फिर रास्ता बंद हो जाता है। तो ये उदाहरण क्या है कि हम सब में जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति जो है वो जैसे मान लीजिए छोटी सी जल की एक धारा के समान है, और अनेक लोग जिनमें से आध्यात्मिक प्रवृत्ति है वो जब मिल के आते हैं साथ में, तो वो जल की धाराएँ सब मिल के एक नदी बन जाती है। और जब नदी बार बार जब चलती है तो नदी का एक रास्ता बन जाता है। तो वो जो नदी का रास्ता होता है वो एक तरह से संस्था है। अभी नासिक में भी आपका इतना सुंदर, यहाँ पे इतना सुंदर मंदिर है और इतने सारे भक्त समुदाय, ये शुरू कैसे हुआ?
कि अभी एक भक्त बॉम्बे से यहाँ पे आए, वहाँ पे उन्हें प्रवचन दिए, कुछ लोगों को रुचि हो गई, और जैसे और लोग आने लग गए तो हमको सुविधा चाहिए थी, तो फिर किसी के घर में हो रहा था, किसी के घर के कोई हॉल में हो रहा था, बाद में सोचा कि हमको अपनी जगह चाहिए, तो फिर एक मंदिर बन गया, फिर मंदिर के विस्तार हुआ, फिर विग्रह आ गए, तो ये क्या हो रहा है, ये सब एक नदी का रास्ता बन रहा है। तो बेसिकली क्या है, जो जो नदी का रास्ता है वो जल के प्रवाह के लिए एक सुविधा है, और बहुत मतलब अच्छी सुविधा है वो। तो पर ऐसे होता है कभी कभी कुछ जल की धाराएं हैं वो नदी तक पहुंच ही नहीं सकती है, तो वो नदी तक पहुंच ही नहीं पाती है, तो फिर वो जल की धारा को वहीं से सागर की ओर जाना है। अभी कैसे जा पाएगी वो जल की धारा, वो उस व्यक्ति वो उस परिस्थिति को उसकी ज्योग्राफिक जो है भूगोल के अनुसार देखना पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं वो संस्था के जो स्टैंडर्ड्स है उसमें जुड़ नहीं पाते हैं, अगर वो जुड़ नहीं पाते हैं, वो नहीं कर पाते जो भी है, तो इसका मतलब नहीं कि वो उसमें भक्ति करने की इच्छा नहीं है, भक्त नहीं है, वो भक्त हो सकते हैं, पर ऐसे नहीं है कि हमको जो नदी का प्रवाह है वो ये व्यक्ति इस नदी के प्रवाह में नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नदी का रास्ता ही खराब है, इसका मतलब ये भी व्यक्ति व्यक्ति नहीं है कि ये भी नहीं कि वो व्यक्ति खराब है, कि ठीक है ये दोनों साथ में नहीं जा पा रहे, तो फिर क्या है उनके लिए उनकी जगह के अनुसार एक रास्ता बनाना है। तो इसीलिए अगर हम कहेंगे कि ये नदी की नदी में आप आओ ही मत, जरूरत नहीं है नदी के, तो फिर क्या, पर नदी की जो साथ में लोग जा रहे हैं उससे एक प्रवाह बनता है, एक सुविधा बनती है, बहुत से लोग उसके अनुसार जा सकते हैं, तो इसीलिए नदी का रास्ता भी ज़रूरी है, तो उस तरह से संस्था भी ज़रूरी है, और संस्था होने के और संस्था कहीं भी होगी तो संस्था के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो ज़रूरी है उसको पालन करना। पर अगर जो अभी कैसे होता है कि अगर आप नदी देखते हैं, नदी में पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है बीच में, अगर आप उसके साइड में जाओगे तो पानी कम है, पर वहाँ पे भी पानी है। अगर आप खेती करना चाहते हो तो नदी के बाजू में अगर आप कुछ उगाना चाहते हो तो आसानी से उग सकता है, नदी से बहुत दूर जाके कुछ उगाना है तो उतना उग नहीं पाएगा कुछ। तो उसी तरह से क्या है कि नदी के पास में भी अगर कोई रहता है तो उससे भी उसकी भक्ति फुल सकती है और वो आगे बढ़ सकता है भक्ति में। तो हमें जो है जो लोग कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर पाते हैं उनको उनके स्तर के अनुसार एनकरेज करना है, सुविधा देनी है, ठीक है आप तो हम हमारे जो स्टैंडर्ड्स है उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि क्या है फिर वो स्टैंडर्ड वो जो एक रास्ता बनाया है वो रास्ता उसमें व्यत्यय आ जाएगा। पर कभी कभी ऐसे भी हो सकता है वो निसर्ग से इस रास्ते में व्यत्यय आ जाए। ये भक्ति सांस ठाकुर उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गंगा में नहाने जाता है, तो पीढ़ियों से उसके परिवार में लोग गंगा में नहाने जा रहे हैं, तो शायद उनका घर यहाँ पे है और वो गंगा के पास में रहते हैं, तो एक छोटे गांव में रह रहे हैं, तो उनके घर से कुछ 200 मीटर दूर गंगा है और वहाँ पे जाके वो नहाते हैं, एक पर्टिकुलर एक जगह वहाँ पे नहाते हैं। पर क्या है अगर आप इतिहास देखते हैं तो गंगा का रास्ता भी बदल जाता है, 200-300 साल पहले गंगा एक जगह से बह रही होगी, अभी दूसरी जगह से बहती है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी कहता है कि मेरे पूर्वज इस जगह पर जाकर गंगा में नहा रहे थे और अभी वो वहाँ पे जाता है पर वहाँ पे गंगा है ही नहीं अभी, तो फिर वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे नहाएगा, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पे नहाना कुछ होगा ही नहीं, नहीं नहीं मेरे पूर्वज यहीं पे गए तो मैं यहीं पे जाऊँगा, उसका कुछ मतलब नहीं है। हमें देखना है गंगा में नहाना है तो अभी गंगा का प्रवाह कहाँ है और वहाँ पे जाना चाहिए। तो भक्त सांसद को ये उदाहरण इसलिए दे रहे थे कि जब वो कलकत्ता में बड़ा थीस्टिक एग्जीबिशन किया करते थे, बड़ा उत्सव करते थे, तो उस उत्सवों में कई बार वो कहते थे लगभग 50% जो उत्सव था वो भौतिक था, वहाँ पे जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के विकास हुआ था उसके बारे में गाते थे कि ये ऐसा ट्रेन आया है, ऐसा कार आया है, ये ऐसा मशीन आया है, और वो काफ़ी 50% लगभग वही था, और बाद में बाकी जो था वो आध्यात्मिक था। तो कुछ लोग कुछ भक्त कह रहे थे कि ये अगर आप तो साधु हो आप ये भौतिक सारी चीज़ें क्यों दिखा रहे हैं, तो प्रभुपाद वो कहते थे कि नहीं क्या है लोग इसमें रुचि है आज, तो अगर वो जो लोग अगर हम सिर्फ एक आध्यात्मिक एग्जीबिशन रखेंगे तो बहुत कम लोग आएंगे,
पर अगर ये दोनों कंबाइन करके हम रखते हैं, साथ में रखते हैं, तो वो देखने को लोग आएंगे, पर वो देखते देखते ये भी देख लेंगे वो, तो तभी वो काफ़ी जो कलकत्ता के और बंगाल के काफ़ी जो बहुत ही आदरणीय ऐसे रिस्पेक्टेड सिटीजन्स लीडर्स जो थे वो उनके एग्जीबिशन को आया करते थे, तो कह रहे थे कि जहाँ पे गंगा का प्रवाह भी हो रहा है वहाँ पे अभी आना चाहिए हमको। तो जो हमें देखना है कि जो सुविधा है एक तरह से यहाँ पे नदी बह रही है, पर अगर इस रास्ते से बहुत से लोग जा रहे हैं तो फिर हमको वहाँ पे भी एक सुविधा बनानी चाहिए, वहाँ पे भी एक नदी बनानी चाहिए। तो अगर कुछ लोग सोलह माला जप नहीं कर पाते तो ठीक है, अगर ऐसे नहीं है कि अभी प्रभुपाद जी हम देखते हैं, प्रभुपाद जी ने भारत में लाइफ मेंबरशिप चालू कर दिया। अभी लाइफ मेंबरशिप का मतलब क्या है कि जो अमेरिका में भक्ति की परिभाषा थी कि आप सबको छोड़ के मंदिर में आ जाओ, तो ये एक्चुअली तीन स्तर है, ये महत्वपूर्ण एक पॉइंट है ये समझने के लिए आपका, जो उदाहरण कि प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो जो भी लोग आते थे मंदिर में ही आ जाते थे, मंदिर पुरुष हो स्त्री हो परमा विवाहित हो अवैध सब मंदिर में ही रहते थे। पर जब प्रभुपाद जी भारत में आए तो भारत में भारतीय लोगों को ऐसे मंदिर में ज्वाइन करने की कोई रुचि नहीं थी, तो प्रभुपाद जी ने उनको तो एक एक गंगा इधर से बह रही थी कि तो आप भक्ति करना है मंदिर में आके ज्वाइन करो, पर भारत में कोई भी उस गंगा में नहीं आ रहा था, तो प्रभुपाद जी ने क्या है एक दूसरा प्रवाह चालू कर दिया, आप लाइफ मेंबर बन जाओ। लाइफ मेंबर मतलब क्या कि प्रभुपाद जी कह रहे थे कि कई जो धार्मिक लोग होते हैं उनकी इच्छा होती है कि कोई साधु हमारे घर में आके कम से कम प्रसाद तो ले, प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं आपके घर में आके प्रसाद लूँगा पर आपको लाइफ मेंबर बनना है। लाइफ मेंबर बनना है मतलब जो मंदिर बनाने के लिए कुछ डोनेशन दो और प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं उनके घर में आएंगे, फिर जो मंदिर में कुछ रूम है वहाँ पर आप आके रह सकते हैं, मंदिर का अनुभव कर सकते हैं। मतलब ये जो गंगा है ये इधर से उधर जुड़ने का भी मौका है, पर यहाँ पर भी आपको रह सकते हैं। और मैं एक जगह पे एक व्यक्ति से मिलने गया था, उनका बड़ा नेम प्लेट था, नेम प्लेट में वो मैंने यहाँ से ये डिग्री किया है और नीचे उसमें लिखा था इस्कॉन लाइफ मेंबर। तो उस समय क्या हुआ था, प्रभुपाद जी ने इस तरह से लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम को प्रेजेंट किया को दर्शाया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और आप उसके लाइफ मेंबर बन रहे हो, वो बड़ा प्रेस्टिजियस चीज हो गया था आपके लिए। तो प्रभुपाद जी मतलब इतने एक्सेप्टिंग थे, क्या थे कि एक ये गंगा है जो जो मंदिर में आते फुल टाइम ज्वाइन कर लेते मंदिर में रहते, और दूसरा है कि जो कुछ भी ऐसे सोलह माला जप वगैरह से कुछ नियम का पालन नहीं कर रहे पर वो भक्ति के अनुकूल है, भक्ति के लिए कुछ योगदान दे रहे हैं और उनका संबंध जुड़ रहा है। तो अभी हम देखते हैं आजकल के जो हमारे कृष्ण भागवत आंदोलन है वो ये गंगा भी नहीं है, ये गंगा भी नहीं है, जिससे तीसरी गंगा शुरू हो गई है। मतलब क्या है, अधिकांश लोग जो है वो गृहस्थ है, वो समर्पित भक्त है, इन सब नियमों का पालन करते हैं, जप अच्छी तरह से करते हैं, वो लाइफ मेंबर भी नहीं है और वो फुल टाइम डिवोटी भी नहीं है, वो बीच में है। और अधिकांश तो अभी आजकल के इसको हम देखते हैं तो अभी ब्रह्मचारी है। मैं पहली बार अमेरिका में गया था तो मैं बोला था कि मैं बॉम्बे में मुंबई से आया हूँ, मुंबई में लगभग 150 ब्रह्मचारी है, तो अब कहते हैं 150 ब्रह्मचारी तो पूरे यूरोप और अमेरिका में साथ में नहीं है। तो पाश्चात्य देशों में बड़ा मुश्किल है ब्रह्मचारी बनना किसी को, तो फिर क्या है, तो ये जो प्रवाह है जो मंदिर में ही रहते हैं ये प्रवाह है पर काफ़ी कम है। और लाइफ मेंबर आजकल कितने लोग इसकॉन से लाइफ मेंबरशिप फिर जुट रहे, तो ये एक नई गंगा बन गई है। तो इसको सुविधा जो देनी है वही अभी हमारी संस्था और देख रही है, जो लोग गृहस्थ है अपनी जिम्मेदारी करते हुए बाकी सारे उनको कैसे एक मार्ग दिया जाए कि भक्ति कर सके। तो मैं मिडिल ईस्ट में गया था, मिडिल ईस्ट में मतलब कई देश है, बहरीन है, यूएई है, दुबई है, शारजा है, वहाँ पे क्योंकि इस्लामिक धर्म है तो कोई हम पब्लिकली कुछ कीर्तन वगैरह नहीं कर सकते, पर इतने सारे लोग भक्त बने वहाँ पर, वहाँ पर मंदिर नहीं है, कोई फुल टाइम डिवोटीज नहीं है, कोई विग्रह भी नहीं है। मैं दुबई में गया था, दुबई का संडे फीस था, इतना लंबा हॉल है और वो लगभग 800 से हज़ार लोग हर वक्त आते हैं, हर हफ्ते आते हैं। और वो क्या है, वहाँ पे एक्चुअली वो हॉल भी हमारा नहीं है, वो सिर्फ 4 घंटे के लिए हम हॉल हायर करते हैं, और वो एक ऐसा हॉल है जहाँ पे साथ साथ
यहाँ पे एक फ्लोर पे इस्कॉन का कार्यक्रम चल रहा है, दूसरे फ्लोर पे स्वामीनारायण का कार्यक्रम चल रहा है, तीसरे प्रोग्राम पे किसी और संस्था का कार्यक्रम चल रहा है, चौथे फ्लोर पे किसी और का कार्यक्रम चल रहा है। तो वो सरकार ने वो एक दिन के लिए आपको धार्मिक कार्य करने का सुविधा दिया है वहाँ पे, पर वहाँ पे आ रहे हैं और 800 भक्त आ रहे हैं, तो मंदिर नहीं है, केंद्र नहीं है, कोई फुल टाइम डिवोटी नहीं है, पर गंगा बह रही है गंगा बह रही है। तो अगर हम देखते हैं कि कुछ लोग इस गंगा में नहीं आ सकते हैं, तो अगर वहाँ कहीं और है तो वहाँ से वो कैसे भगवान की ओर बह सकते हैं, उसके लिए सुविधा निर्मित करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी भारत में थे तो हमें उन्होंने मंदिर बनाने में बहुत जोर दिया, पर जहाँ पे अगर मंदिर नहीं बन सकता है तो ऐसे नहीं कि भक्ति का प्रवाह रुकना चाहिए। तो अगर कोई सोलह साल मान लो का जब भी नहीं कर सकता है, हाँ ठीक है वो नहीं कर पाता है तो इस गंगा में शामिल नहीं होते, पर उसका मतलब नहीं कि उनको वहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, आप जिस स्तर पर भक्ति कर सकते हो उस स्तर पर भक्ति करो और आगे बढ़ते रहो। इज आंसर योर क्वेश्चन, थैंक यू। किसी माता जी को कोई सवाल है? मैं अमेरिका से आया हूँ तो अमेरिका में हर बार कई मंदिर ऐसा होता है कि एक सवाल प्रभु का फिर एक सवाल माता जी का, दो माइक होते हैं ऑल्टरनेट करते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे।